Welcome everyone to the next episode of Dhanda. I can't tell you how much excited I am today, because what we are going to learn today is something which is not, which can be huge, not for next quarter, next 6 months, but for many, many, many years to come, or even decade to come. The industry I'm talking about, the CPaaS industry. Don't fret, we will simplify all those things. But usse pehle main jo hamesha bolta hu ki a wise man told me ki agar dhanda samajh gaye तो अपने आप स्टॉक्स में पैसा बन जाएगा या स्टॉक से बच जाओगे. विद दिस इनिशिएटिव इन माइंड, ओमकारा कैपिटल प्रेजेंट्स यू धंधा. एंड राइट नाउ वी आर ऑनर्ड टू हैव द एंटायर टीम ऑफ रूट मोबाइल विद अस. थैंक यू एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम राजदीप जी, गौतम, एलेक एंड मिलिन सर. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. मजा आ रहा है आज. थैंक यू. नाउ आई थिंक एवरीवन कैन म्यूट अवरसेल्फ, सो यू नो वी कैन स्टार्ट कन्वर्सिंग. तो उससे पहले यू नो आई ऑलवेज से कि आई विल डिवाइड द सेक्शन इनटू 3-4 पार्ट्स. तो राजदीप जी सबसे पहले, आई विल कम टू द प्रमोटर फर्स्ट, बिकॉज़ प्रोडक्ट और प्राइस से पहले भी प्रमोटर सबसे जरूरी होता है. आप बताइए सर, ये रूट मोबाइल कहां से आया? 2004 में चालू किया कंपनी आपने, सेकेंड हैंड कंप्यूटर से चालू किया, ऑल दो स्टोरीज की रूट मोबाइल कहां से बना, कैसे बना, कैसे दिमाग में आया कि ये कंपनी चालू करते हैं हम लोग? सो वरेंद्र जी, आई थिंक रूट मोबाइल का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, एक सिंप्लीफाइंग कम्युनिकेशन का एक आइडिया था. 2004 में अगर आपको पता होगा कि उस वक्त वॉइस का जो 16 रुपीज इनकमिंग और 16 रुपीज आउटगोइंग हुआ करता था, एंड उस वक्त अगर आप देखो तो एक ही ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था बिटवीन द कस्टमर एंड द एंटरप्राइज, ईमेल. थोड़ा प्रॉब्लम ईमेल में ये था कि ईमेल अगर आप कहीं मूव कर रहे हो और आपके पास एक्सेस नहीं है ईमेल का, आइदर ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव एक्सेस आइदर थ्रू योर लैपटॉप, ऑफिस फोन, सॉरी ऑफिस का लैपटॉप, इन बिटवीन अगर आप कहीं मूव कर रहे हो या बाहर कहीं हो तो यू कांट एक्सेस राइट योर ईमेल. तो प्रॉब्लम क्या था कि अगर उस वक्त किसी बैंकिंग बैंक को या किसी एयरलाइंस को या किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज को कोई मैसेज भेजना है, अलर्ट भेजना है, तो उस वक्त कोई ऐसा मॉडल हुआ नहीं करता था जिससे कि आई कैन अलर्ट माय यूजर इन अ फ्यू सेकंड. Keeping that in mind, I think 2004 mein mein, I was working with IBM and Orange as a consultant with them. I realized the potential ki is CPaaS mein jo potential hai bahut bada hai, aur already UK mein Mblox karke aise company thi jo is field mein kafi acha kaam kar rahi thi, par unka pura market US aur UK tha, sirf Europe tha. India mein probably global level pe koi nahi tha us waqt 2004 mein. To mujhe laga ki agar kuch startup karna hai aur is space mein jo hamare enterprise customer hai unka jo pain point kya hai और उसके लिए अगर मैं कुछ बिल्ड करता हूँ तो मेरा कन्विक्शन क्या है. तो आई थिंक कन्विक्शन ये था कि ये मेरा भी प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने यही सोचा कि जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मेरे बाकी कस्टमर का भी यही प्रॉब्लम होगा, ये हमने सोचा. और 2004 में मैंने, आई थिंक 2003 में मैं इंडिया आ गया था, ऑलमोस्ट एक साल में लगा मुझे पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए. मैं अपने बेडरूम से बैठ के पूरा एक साल में इसको बिल्ड किया. 2004 में हमने कंपनी लॉन्च की विद जस्ट 1,00,000 रुपया हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था कंपनी में. उसके अलावा हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया और हमने कभी रेज भी नहीं किया है फंड. सो विद दैट 1,00,000 आई थिंक $2,000 टू ऑलमोस्ट ओवर $1 billion कंपनी विदाउट रेजिंग अ फंड, आई थिंक ये कि इंडिया स्टोरी है, मेड इन इंडिया स्टोरी है जो अपने आप में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग उसको अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं. बट सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड कि 1,00,000 से धंधा चालू हो सकता है. बाकी उस समय बाकी सिर्फ 1,00,000 ही था आपके पास, और जैसे आई थिंक मैंने जो कुछ इंटरव्यूज में पढ़ा है, आपके पास एक सेकंड हैंड कंप्यूटर था, राइट? जी, अभी भी है मेरे पास. उसका स्टोरी बताइए सर थोड़ा सा. सेकंड हैंड कंप्यूटर का भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरे पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं, तो 2003 में मैंने किसी एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर का प्रोजेक्ट किया था और 8,500 रुपये उससे लेने थे. तो उस बंदे ने बोला मेरे पैसे नहीं है पर मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा है, इसको लेकर चला जाता हूँ. तो 8,500 के बदले मुझे कंप्यूटर मिल गया जो 486 पीसी था, 4 MB उसके रैम हुआ करते थे और सॉरी 16 GB रैम था और 4 MB उसका वो था, शायद 16 GB उसका हार्ड डिस्क था और 4 MB रैम के आसपास था. उस पर मैंने पहला प्रोग्राम लिखा और पहला प्रोग्राम जो मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा था पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए, और वहाँ से स्टोरी चालू हुई थी. पर मुझे ये लगा था, मैं ये थैंक मैं गॉड को ही बोलता हूँ कि वो कंप्यूटर सेकंड होने के बाद ही चला और पूरा जो प्लेटफॉर्म जो हमारा आज चल रहा है वो पहला कोड मैंने वही लिखा था. और आज के दिन में भी हम उस कंप्यूटर को एवरी दशहरे के दिन उसका पूजा करते हैं
मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा। लास्ट 16 इयर्स से कंप्यूटर हमने जब से मैंने उसको बंद कर दिया तो हमने ऑफिस में उसको रखा है, और हमारे ऑफिस बॉय उसको बहुत ही अच्छी तरह से रखते हैं, और साल के दशहरा जिस दिन होता है उस दिन उसकी पूरी तरह से पूजा की जाती है। वेरी वेरी नाइस। तो फैशन डिजाइनर क्या बोलते हैं सर कि आपको 8,500 देने चाहिए थे कि वो कंप्यूटर रखना चाहिए था, उसके पास होता तो सोचो वो 1 बिलियन वाला कुछ बन जाता वो। और वो भी अभी काफी बड़ा डिजाइनर हो गया है, तो कहीं ना कहीं चलो हमारे मेरा लक उसके साथ ही था। तो सर बट आपका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का है कि नहीं है, जब आपने ये सर प्रॉब्लम टू अ सॉल्यूशन सोचा? मैं कंप्लीटली एक प्रोग्रामर हूँ सर, मैंने बीएससी इन फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में मैंने किया, उसके बाद मैंने एप्टेक से डिप्लोमा कोर्स किया। 93 में मैंने फर्स्ट कंप्यूटर एजुकेशन जो था एप्टेक में वहाँ ज्वाइन किया ड्यूरिंग माय बीएससी एंड आई फिनिश माय कंप्यूटर डिप्लोमा एज वेल। सो बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड आई स्टार्टेड वर्किंग विद वेरियस कंपनी एज अ डेवलपर। सो आई एम अ हार्डकोर डेवलपर, और आज भी मैं कोड करता हूँ और आज भी कर सकता हूँ। अच्छे से अच्छे जो हमारे प्रोग्रामर हमारी टीम में है वो शायद हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। वेरी नाइस। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए ये था वरिंदर की टेक्नोलॉजी में हमारी कोई टीम हमसे आगे वो क्या बोलते हैं कि डिबेट नहीं कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज थी जो मुझे पता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। अगर कोई मुझे बोले कि 15 दिन में होगा या 15 महीने में होगा तो मैं बोल सकता हूँ इसका आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी था एक फाउंडर के लिए कि भाई जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है और उसको कितना टाइम लगेगा। सो टेक्नोलॉजी तो पूरा डीएनए ही है, और जो कुछ भी हूँ मैं अपने टेक्नोलॉजी नॉलेज की वजह से हूँ आज। सर थोड़ा संदीप जी के बारे में बताइए, आप दोनों भाई हैं राइट, और किस तरीके से वो भी धंधे में आए, उनका रोल क्या है, उनका अभी यू नो व्हाट ही हैंडल्स इन रूट। सो संदीप इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब 2003 में मैंने सोचा कि एक बूटस्ट्रैप करते हैं कंपनी को, फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हमने जब स्टार्ट किया था, मतलब दोनों भाई एक ही बिजनेस में आ जाएंगे तो अगर बिजनेस नहीं चला तो घर कैसे चलेगा, वेरी सिंपल ऑप्शन था। एंड ही वॉज वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी एज एसएपी कंसल्टेंट, तो संदीप सैप कंसल्टेंट भी है, एंड ही वॉज ड्रॉइंग अ गुड सैलरी। तो मैंने बोला कि आप फैमिली का देखो जो नॉर्मल खर्चे, मैं एक ट्राई करता हूँ। आप बड़े हैं कि वो बड़े हैं? सर वो बड़े हैं, मुझसे 2 साल बड़े हैं। अच्छा, मैं 2 साल छोटा हूँ उनसे। तो मतलब आप फैमिली चलाओ, मैं एक बिल्ड करता हूँ, अगर फेल होगा दोनों जॉब करेंगे। तो एक चीज तो हमेशा एक माइंड में था कि नॉलेज जो टेक्नोलॉजी की है वो काफी अच्छी है, और कहीं कोई ना कोई मुझे जॉब तो दे ही देगा वापस। बट लाइफ में एक बार जो सोचा हो, जो विजन है, उसको ट्राई तो जरूर करूंगा। सो उस चीज को सोच के मैं यूके से वापस इंडिया आ गया, और मैंने बोला कि नहीं, अब दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू बिल्ड समथिंग, और इफ आई फेल इट्स नो प्रॉब्लम, आई विल स्टार्ट वर्किंग अगेन, बट आई वांट टू ट्राई एंड देन फेल। सो No, it's a very inspirational story, sir. मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, because हम भी ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं। But sir, my simple question is कि उस time पे all this telecom companies जो 2004 में होती थी, right? ये भारतीय एयरटेल हुआ या और बाद में भी आई, why they can't or couldn't think about this kind of a solution to a problem जो आप बता रहे हैं, because उनको भी दिखता है ना सर कि ये चीज जरूरी है। So problem जो हमारा vision था problem का, सिर्फ इंडिया कभी नहीं था, हमारा ग्लोबल प्रॉब्लम था। और मुझे पता था कि अगर मैं जो बिल्ड करूंगा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बिल्ड करूंगा। मैंने पहला प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, पहला कस्टमर जो ऑनबोर्ड किया वो था $20 का, वो भी था ग्रीस से। सेकंड कस्टमर जो मैंने ऑनबोर्ड किया वो था $100 का, वो था दुबई से। सो मैं पूरा प्लेटफॉर्म हमारा जो कनेक्टिविटी भी मैंने बिल्ड किया वो मिडिल ईस्ट ऑपरेटर्स के साथ स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने अफ्रीका गए, उसके बाद हम यूके गए, यूरोप गए, फिर यूएस गए। सो बिकॉज इंडिया में 2004-2005 में जब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होता भी था तो हार्डली 1 पैसा भी एसएमएस का कॉस्ट नहीं होता था उस टाइम पे। वो पाइप बेचते थे कि एक दिन का आप मुझे मंथली 5 लाख रुपया दे दो, जितना भेजना उतना भेजो। सो ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया वॉज नेवर अ मार्केट फॉर मी कि भैया कि मैं इस मार्केट में करूंगा क्या, और इसमें मुझे जाके जाना भी क्यों है। अगर मैं 10 बिलियन मैसेज भेजूंगा तो मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं कमाऊंगा, और इंटरनेशनल में अगर मैं 1 बिलियन भेजूंगा तो 50 करोड़ कमा सकता हूँ। कॉस्ट पर एसएमएस इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, जो इंडिया का 10-12 पैसा होता है वहां पे ऑलरेडी 1 रुपया 1.5 रुपया के आसपास, 5 रुपया तक भी जाता है पर एसएमएस। सो कीपिंग दैट इन माइंड कि यार मुझे तो एक बिल्ड भी करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, और प्रॉफिटेबल भी होना है, क्योंकि फंड रेस तो किया नहीं हमने। और 2003 में जो .com बस्ट हुआ था उसके बाद तो कोई किसी भी आइडिया पे कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा था। और आपको पता होगा कि 2004 के आसपास तो ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है आज जो इतना बड़ा बिल्ड हो गया है वो था भी नहीं। लोगों के पास कितना भी अच्छा आइडिया हो लेकिन सपोर्ट मिलता नहीं था। तो मैंने बोला कि अगर जो भी करना है घर से ही करना पड़ेगा, और 1 लाख में ही करना पड़ेगा।
और उसके लिए तो एक साल तक हमने कोई किसी बंदे को हायर भी नहीं किया, जो भी किया ऑफिस बॉय से लेके अकाउंटेंट से लेके सपोर्ट इंजीनियर से लेके सीईओ से लेके सब कुछ मैं ही था। ठीक है, तो वो बिल्डिंग यही था कि मैं बिल्ड करना है कुछ, और एक विजन था कि ये बड़ा हो सकता है, और क्योंकि ये मैं बड़ा कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें एक लोगों का प्रॉब्लम है और लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले दिनों में। और लोग कहते थे कि मैसेजिंग कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, बट आज के दिन में आप देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हर किसी इंसान के लाइफ में टच बेस करता है एटलीस्ट 2 से 3 बार एवरी डे। वो कैसे, आप सोचिए, अगर आप बैंक से नहीं पैसा नहीं आई निकाल कम ऑन रहे दैट, आई कम ऑन द प्रोडक्ट लेटर सर, एक थोड़ा सा हो। सॉरी, एक या ओके दो के ओके बाद बाकी आई कंप्लीट द प्रमोटर फर्स्ट, बिकॉज प्रमोटर हमारे लिए उतने जरूरी है जितना प्रोडक्ट जरूरी है। तो सर अभी सारी फैमिली रूट में इन्वॉल्व है, जैसे आप हुए, संदीप जी हुए, और आपके बच्चे, अगर आप इफ यू नहीं कैन। नहीं 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 हम और हमारे भाई, हम दोनों ही इन्वॉल्व इसके अंदर, और संदीप और हम ही देखते हैं। संदीप इज कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन फाइनेंस, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इज सैप कंसल्टेंट है, तो उनका पूरा ईआरपी का बहुत ही अच्छा नॉलेज है। रूट मोबाइल में हमने ईआरपी अडॉप्ट किया 4 साल पहले, आज पूरा का पूरा रूट मोबाइल हमारा जो अपने ओन ईआरपी पे चलता है, हमने ओपन सोर्स ओडू प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करके उसको पूरा बिल्ड किया है। तो संदीप इज मेनली इन टू ईआरपी और हमारा फाइनेंस को ओवरलुक करते हैं, तो और बच्चे सर, माय रोल इज मेनली इनटू स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर। चलो गॉट इट सर। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, तो आप में से कोई भी, यू नो, गौतम हुआ, एलेक हुआ, मिले जी हुए, पहले तो मुझे ये सिंप्लीफाई कर दीजिए सी पास, क्योंकि हमें एकता कपूर ने सिर्फ सास ही सिखाया है, सी पास नहीं सिखाया। तो ये सी पास हुआ क्या होता है, यू नो, ये आप आरसीएस बोलते रहते हो, एटीपी, A2P बोलते रहते हो, MNO बोलते रहते हो, हम कुछ भी बात करेंगे, लेट अस सिंप्लीफाई दीज जार्गन्स इफ आई मे से, कि इनका मतलब क्या है, कि आप करते क्या हो। तो लेट मी जस्ट प्लीज स्टार्ट टू गिव स्मॉल ब्रीफ एंड देन गौतम एंड अलेक एंड मिलिंद दे ऑल कैन कंट्रीब्यूट वन बाय वन। सो मैं तो यही बोलता हूँ कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है आज के दिन में, वो कहीं ना कहीं हर कॉमन इंसान के लाइफ को टच बेस करता है एवरी डे एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स। वो कैसे करता है, सिंपल है कि अगर आप किसी भी बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो, यू गेट अ ओटीपी, यू नीड अ ओटीपी कार्ड, या आपको एक अलर्ट आता है कि यू हैव विड्रॉन 10,000 रुपीज फ्रॉम योर अकाउंट, और उसके बाद आपको लगता है कि यू फील कंफर्टेबल, हाँ कि मेरे अकाउंट में पैसा गया है, राइट? आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, अगर समझो ई कॉमर्स साइट पे आपने कुछ खरीदा, तो वहां पे आपको ओटीपी लगता है, आपको उसके बाद आपको ये भी मैसेज आता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है, कब डिलीवर हो रहा है, वो सारा मैसेज आपको फ्लो करता है, तो आप अपने प्रोडक्ट का पूरा ट्रैक भी उस मैसेजिंग के थ्रू करते हो। ठीक है, उसी टाइम पे अगर आप किसी एयरलाइन में हो, अगर फ्लाइट डिले हो गई, तो आपको वहां से मैसेज भी आता है और सेम टाइम आपको कॉल भी आता है कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई है 2 घंटे से। सो जो मैसेजिंग वाला एसएमएस आता है वो हमारा प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, जो वॉइस कॉल आता है आपको कि योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड बाय 2 आवर्स इज ऑल्सो हमारा रूट मोबाइल का प्लेटफॉर्म होता है। और सेम टाइम अगर ईमेल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे अगर आप अभी देखो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप, तो आपको एसएमएस भी आता है, इस सेम टाइम आपको ईमेल भी आता है, तो वही जो सेम हमारा एपीआई है, जो हमारा लिंक होता है जो बैंक यूज करती है, उसी लिंक में वो एसएमएस भी भेज सकती है, वो वॉइस भी भेज सकती है, और वो ईमेल भी भेजती है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो बैकग्राउंड में चलता है, जहां पे रूट मोबाइल का प्लेटफॉर्म आता है, राइट? तो वो ये जो प्लेटफॉर्म है जो पीछे, अगर समझो कि दिन में 1 बिलियन ट्रांजेक्शन इंडिया में अगर हो रहे हैं या 2 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रूट मोबाइल का भी एक रोल है। हमारा तो इंडिया ही नहीं, हमारा तो ग्लोबल रोल है, वी ऑपरेट ऑलमोस्ट इन 18 कंट्रीज एज ऑफ टुडे, एंड वी आर कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट 800 ऑपरेटर ग्लोबली। एट द सेम टाइम वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 240 ऑपरेटर डायरेक्ट एज अ पार्टनर। या गौतम, विनय, अलेक, इफ यू कैन जस्ट ऐड सिंपलीफाई। और हाँ, इन्होंने एपीए बोला, तो आप में से कोई भी हमें हाँ, एपीए भी बता देना, ठीक है मैं सर। थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ वरिंदर जी। तो थैंक यू। मैं जो राजदीप जी ने जो एग्जांपल दिया ना, मैं उस पर थोड़ा बिल्ड कर देता हूँ। अलेक, आई एम वेरी हैप्पी स्पीकिंग आई हैवंट इन अ लॉन्ग टाइम, बट या यस यस सर, थैंक यू आई फॉर डू ट्राइंग। इंग्लिश, आई डू इंग्लिश, नो इशू। नो, थैंक यू फॉर ट्राइंग। ठीक है, तो अगर आप बैंक जाते हो, ठीक है, आपको विदड्रॉल करना है, तो जैसे विदड्रॉल ट्रांजैक्शन अप्रूव होता है, आपको एक इंस्टेंट एसएमएस आता है। नाउ आपका क्वेश्चन क्या था कि सीपैस क्यों, राइट? सो मान लो अगर बैंक को एसएमएसएस भेजना है, तो फर्स्ट ऑप्शन एसएमएस देता कौन है? तो ऑब्वियसली ऑपरेटर्स देते हैं, तो बैंक को ह्यूमन रिसोर्सेज लगवाना पड़ेगा।
बैंक को एक टीम लगवाना पड़ेगा जो कॉन्स्टेंटली ऑपरेटर्स के साथ टच में रहे, उनका इंडियन कस्टमर्स होंगे, उनका NRI कस्टमर्स होंगे, तो उनके कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे, तो उनको एक टीम डालना पड़ेगा जो ये सब मैनेज करेगा। उनको एक SMS कनेक्टिविटी एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू अगर किसी ने विदड्रॉ किया वहाँ से इस एप्लीकेशन को हिट करके उसको SMS जाएगा, राइट? तो अभी ये सब करने के लिए उनके लिए कॉस्ट है, उनके लिए टीम्स है, उनके लिए एडिशनल फोकस स्ट्रीम्स है जो मेन एप्लीकेशन या को बैंकिंग एप्लीकेशन से डाइवर्ट होते हैं, राइट? तो यहाँ पे आता है पूरा कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मैं जाके बैंक को बोलता हूँ अगर आपको इंस्टेंट वॉइस कॉल करना है, अगर कोई ऑनलाइन आपका जो कस्टमर है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसको विद इन 5 सेकेंड्स OTP चाहिए, तो ये पूरा प्लेटफॉर्म मैं आपको प्लग एंड प्ले देता हूँ। आप आपके IT वाले इंजीनियर्स को मेरा API दे दो। API इज नथिंग बट एन इंटीग्रेशन बिटवीन हिज एप्लीकेशन एंड माई एप्लीकेशन। तो एक साइड पे मेरा CPaaS प्लेटफॉर्म है, एक साइड पे बैंक का कोर एप्लीकेशन है, उसके थ्रू जो पाथ है उसको API बोलते हैं। तो मेरा पूरा जो एप्लीकेशन है उसको एक्सटर्नलाइज करते हैं थ्रू दिस API। और बैंक को क्या करना है, ये API लेके इंटीग्रेट कर दो और पे एज यू गो मॉडल पे वर्ल्ड वाइड कवरेज देके, SLA सब देके, इंस्टेंट रियल टाइम कम्युनिकेशन डिलीवरी हमारे एंड के थ्रू हो जाता है। तो बेसिकली ये है CPaaS। कम्युनिकेशन का अगर आप ट्रांसलेशन देखें हिंदी में तो संचार, सूचना, संपर्क, 3 मोटे मोटे लफ्ज आपको मिलेंगे जहाँ पे आप एक कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हो, संचार, सूचना और संपर्क, राइट? और अगर सिंप्लीफिकेशन तो मैं कहूँ तो आसान। तो बेसिकली अगर आप देखें हमारी जो टैगलाइन है कम्युनिकेशन सिंप्लीफाइड, इसका मतलब यह है कि हम एंटरप्राइजेस को या ब्रांड्स को अपने कस्टमर्स से, अपने ग्राहकों के साथ आसानी से संपर्क करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सुपर, ठीक है। और ये जो संपर्क है ये आज आप जानते हो डिजिटल में कई अलग 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 चैनल्स के थ्रू आता है। किसी को SMS पसंद है, अगर आप मेरे माता पिता को देखे तो अभी उनको व्हाट्सएप पे आने चालू हो गए हैं, बट कई लोगों को सिर्फ SMS आता था। या अगर आप मेरी नानी या दादी को देखो तो उनको सिर्फ कॉल लेना आता है, नहीं? तो फिर वो कॉल के द्वारा हो, वो SMS के द्वारा हो, या वो एक व्हाट्सएप के द्वारा हो। आपने अभी बीच में सुना होगा कई व्हाट्सएप पे भी कॉन्ट्रोवर्सी कुछ निकली, लोगों ने कहा सिग्नल पे जाए, किसी ने कहा लाइन पे जाए, किसी ने कहा फाइबर पे जाए, जो अलग अलग तरह के अपना इंडियन होम ग्रोन मेक इन इंडिया हाइक है उस पे जाए। तो बेसिकली हम एक एंटरप्राइज को ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को किसी भी कैटेगरी में हो, वो एयरलाइन हो, वो एक बैंक हो, वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी हो, वो टेलीकॉम ऑपरेटर हो, एक आसानी से अपने कस्टमर को संपर्क करने का एक जो साधन है या जो वाहन है वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। मिलिंद सर आप महान है, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, मजा आ गया। सो कहने का मतलब है कि आप जिसको अनम्यूट करना प्लीज कर लीजिए, जो भी यू नो गौतम और राजदीप जी एंड अलिक। सो कहने का मतलब है कि अगर मैं अगर मैं कोई भी कंपनी हो, चाहे मैं बैंक हूँ, चाहे मैं एयरलाइंस इंडस्ट्री हूँ, या मैं कोई भी हूँ जो काम कर रहा है, अगर मुझे अपने क्लाइंट्स के साथ संपर्क करना है तो आप एक मीडियम हो जो बीच में आते हो, और वो मीडियम जो है ट्रांसलेट होता है मैसेजेस के थ्रू। जी आपने सही कहा। और सिंपलीफाई करता हूँ, आज के दिन में अगर आप देखोगे हर इंडिविजुअल की 2 आइडेंटिटी है, एक उसका मोबाइल नंबर है, दूसरा उसका ईमेल आईडी है। अगर किसी ब्रांड को रीच आउट करना है एक इंडिविजुअल को, तो उसको या तो उसके मोबाइल नंबर पे कॉल करना है, SMS करना है, या व्हाट्सएप या वाइबर किसी तरह से भेजना है मैसेज, या फिर उसके ईमेल पर भेजना है, राइट? अब आप किसी भी कंट्री में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपका वो आइडेंटिफायर आपका यूनिक है, राइट? अब आप ब्रांड के साथ अगर इंटीग्रेटेड हो, ब्रांड के लिए ये मटीरियल नहीं मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी ज्योग्राफी में हो, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हो, राइट? वो सिर्फ इंटीग्रेशन करता है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर हमारा प्लेटफॉर्म थ्रू द राउटिंग एल्गोरिदम, थ्रू द पर्सनलाइजेशन, हम उनको बताते हैं कि ये बेस्ट तरीका है पहुंचने का आपके कस्टमर को। सो हमारी प्लेटफॉर्म के अंदर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट इन है जिसके थ्रू हम बेस्ट ROI एक ब्रांड को हम देने की कोशिश करते हैं। Got it. So, communication platform as a service, या जिसको CPaaS बोलते हैं,
इज नथिंग बट यू आर द मीडिएटर इन बिटवीन बड़ी बड़ी कंपनीज या जो भी हुआ और एट द एंड कस्टमर एज सिंपल राइट. अभी नॉर्मल क्या होता है कि किसी भी ब्रांड एंटरप्राइज के लिए ईमेल के लिए एक अलग वेंडर रखना, एसएमएस के लिए अलग वेंडर रखना, वॉइस के लिए अलग रखना और आरसीएस के लिए, इस तरह से 7-8 वेंडर हो जाते हैं. बट जब आप सीपैस बोलते हो तो जैसे ही आप सीपैस में आ जाते हो तो सारे चैनल जो है एज अ सिंगल प्लेस ऑफरिंग हो जाती है. अगर किसी भी बैंक को हमारे प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड है वो, तो ये ईमेल, एसएमएस, वॉइस, आरसीएस, व्हाट्सएप सब कुछ यूज कर सकता है इमीडिएटली. मतलब कि मैं अगर सपोज करो जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अगर एचडीएफसी बैंक हूँ और एचडीएफसी बैंक सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा है, एग्जांपल यूरोप में कर रहा है, यूएस में कर रहा है, दुबई में कर रहा है, चाहे वो सिर्फ रूट के पास आएगा और बोलेगा कि मुझे अपने सारे कस्टमर से कनेक्ट होना है वाया ऑल दीज मीडियम, जैसे आपने बोला चाहे मेल है, चाहे वॉइस है, चाहे एसएमएस है, चाहे वाइबर है, चाहे व्हाट्सएप है, कुछ भी है, तो आप मुझे कर दीजिए और आप सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन हो. एग्जैक्टली, मैं समझ गया, थैंक यू सो वेरी मच. दूसरा सर एनर्जी, अगर मैं एक छोटी सी बीच में डिपेंडिंग कर सकूं तो हम सिर्फ एक इंटरमीडियरी नहीं है सर, हम एक इंटेलिजेंट इंटरमीडियरी है क्योंकि उस पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक दिमाग है जहाँ पे वो मैसेज को बीच में इंटरसेप्ट करके कंज्यूमर कहाँ पे है, कौन से देश में है, कौन से नेटवर्क पे है, उसको मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से उसको रीच कैसे करना है, इसका जो सारा थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, एक्शंस है, ये सारा बीच के लेयर में होता है. तो इट इज नॉट कि हमने सिर्फ एक जगह से उठाया और दूसरे जगह दे दिया, उसमें काफी सोच इंटीग्रली बिल्ट है. नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने बिलेन जी, बिकॉज ये मेरा दूसरा क्वेश्चन ही था, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो ट्रेडर हो, आप तो एसएमएस या बल्क में लेते हो टेलीकॉम कंपनी से और बाद में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो सबको. सो आप अगर प्लीज मेरे एक मूर्ख क्वेश्चन को सही कर सके कि आप किस तरीके से धंधा करते हो, कि आपने सपोज करो बिकॉज नाउ देर आर टू वेज, वन इज योर एसएमएस, वन इज आईपी. आईपी में मतलब कि आपके व्हाट्सएप, वाइबर वो सब आ जाएगा राइट. आपने एसएमएस लेते हो फिर आगे करते हो, तो आपका बीच में पैसा कैसे बनता है? तो वरिंदर जी, पहली बात तो आज के दिन में हम इतने इवॉल्व हो गए इस इकोसिस्टम में कि मोस्ट ऑपरेटर्स हमें, मोस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हमें उनका प्रेफर्ड पार्टनर पकड़ते हैं. तो हम कोई इन्वेंट्री खरीदते नहीं है, हमारा सब कुछ पेपर यूज है, बिकॉज वी आर सो इवॉल्व इन दिस इकोसिस्टम. आप अगर आज कोई नया प्लेयर आकर एंट्री करना चाहेगा तो उसको हार्ड कमिटमेंट्स करने पड़ते हैं ऑपरेटर को. वी आर नाउ ओवर एंड अबव दैट बिकॉज वो जर्नी हमने ऑलरेडी 16 साल में जी ली है. प्लेटफॉर्म क्या है, ए टू पी नहीं समझा मैं अभी, ए टू पी भी प्लीज आप बता दीजिए, आपने सीपास बता दिया, बट पैसा कैसे कमाते हो आप? पैसा कैसे कमाते हैं, मैं राजदीप सर से ज्यादा हमें कोई अच्छा नहीं बता पाएगा. मैं आपको धंधे की बात बताता हूँ, वो ऐसी है कि ट्रेडर कौन होता है, जो सामान सस्ते में लेता है महंगे में बेचता है. आप किसी ने कॉपर बेचा, स्टील बेचा, एल्यूमिनियम बेचा, राइट, लो लेता है हाई बेचता है. आप एक, आप फाइनेंस में इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं, जो डोमेन ट्रेड करता है स्टॉक में और 100 रुपए की वैल्यू लाखों करोड़ों करता है, आप उसको प्योर प्ले ट्रेडर तो कहते हैं, बट वो एक्चुअल ट्रेडर नहीं होता, उसमें काफी इंटेलिजेंस जाता है, राइट, यस, टू थिंक, प्लान एंड डू ऑल द स्टॉक वर्क, राइट. तो वी आर दैट इंटरमीडियरी हु डज इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन, एड्स वैल्यू. सो इट इज नॉट दैट वी आर बाइंग लो समवेयर एंड सेलिंग हाई समवेयर, वी आर पीपल हु कनेक्ट डिफरेंट इकोसिस्टम, अलग 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 नेटवर्क, अलग 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 चैनल्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम सिंगल प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसको एक वैल्यूएटेड सर्विसेज के द्वारा हमारे कस्टमर्स को हम देते हैं. तो हम तो बकायदा, ये आप मन से निकाल लीजिए कि हमें कोई सस्ते में एक जगह से एसएमएस लेके दूसरी जगह महंगे में ट्रेड करने वाले तो कंपनी है नहीं, वो तो एक इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर चलती है. तो वैल्यू एडिशन में प्राइस रियलाइजेशन बेहतर होता है. बाकी ये स्पेसिफिक जो है कि हम आई थिंक राजदीप सर वुड बी एबल टू और गौतम सर वुड बी एबल टू ऐड. नहीं राजदीप जी, सॉरी आपका म्यूट हुआ आप, तो यू नो मैं, बाकी एज आई सेड माय क्वेश्चंस विल बी स्टूपिड बिकॉज़ आई एम नॉट टॉकिंग लाइक वरिंदर बंसल, आई एम टॉकिंग फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग टू यू. एक होता है ना कि आपका रेवेन्यू कैसे कमाते हो और कॉस्ट में क्या होता है, व्हेन यू रन अ बिजनेस दोनों साइड देखनी पड़ती है. तो अगर आप हमें समझा सको कि भैया मेरा एसएमएस में 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा बनता है या व्हाट्सएप में कितना बनता है, किस तरीके से बिजनेस होते हैं? So, देखो इसमें पूरे इकोसिस्टम में अगर आप देखो तो पहला, अगर मैं एसएमएस भेजता हूँ और वॉइस भेजता हूँ कोई भी कॉल, तो उसमें ऑपरेटर इन्वॉल्व हो गया, तो ऑपरेटर इज माय प्रोवाइडर. अगर मैं व्हाट्सएप भेजता हूँ, वाइबर भेजता हूँ या टेलीग्राम के मैसेज भेजता हूँ आपके मोबाइल पे,
तो इन दैट केस माय व्हाट्सएप वाइबर और टेलीग्राम मेरा प्रोवाइडर हो गया, इसमें ऑपरेटर ही नहीं है, राइट। अगर मैं ईमेल भेजता हूं आपको तो मेरा ईमेल का खुद का प्लेटफॉर्म है जो मेरा ओन होम ग्रोन प्लेटफॉर्म हो गया वो। सो डिपेंड करता है कि कौन सा चैनल एंटरप्राइज यूज कर रहा है और उसको मेरे लिए व्हाट्सएप पे मेरा ऑपरेटर से कोई लेना देना नहीं है, मैं सीधा व्हाट्सएप से डील करता हूँ उसमें। सेम टाइम पे अगर डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, हमारा कनेक्टिविटी जो ऑफर करते हैं हम स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया टू साउथ अफ्रीका यूएस टू न्यूजीलैंड, इसमें बीच में जितने भी कंट्रीज है वहां पे हमारे एक दो कस्टमर जरूर मिलेंगे हर कंट्री में। हमारा डिपेंडिंग हमारा प्लेटफॉर्म करता है कि अगर किसी कंट्री में हमारा कॉस्ट प्लस मार्कअप मॉडल होता है कि हमने एक कॉस्ट पे खरीदा हम अपना उसमें मार्जिन ऐड करते हैं और हम मार्केट में बेचते हैं। अगर आप आईपी मैसेजिंग में जाते हो जो कि आपका व्हाट्सएप और ये है, इसमें 30-35% मार्जिन होता है। अगर आप वॉइस में जाते हो तो यहाँ पे 40-45% मार्जिन होता है। ईमेल इज अबाउट 50% मार्जिन, मैसेजिंग इज अबाउट 20-25% मार्जिन, डिपेंड ऑन मार्केट टू मार्केट। सो ये हमारा कॉस्ट प्लस मार्कअप में इस तरह से हमारा मॉडल चलता है। अगर आप हमने एक महीने में व्हाट्सएप के मैसेजेस 2 बिलियन भेज दिए तो मेरा डेफिनेटली मार्जिन मेरा हाई होगा, आरसीएस भेज दिया तो बहुत हाई होगा करके। तो आज की डेट में क्या है कि मैसेजिंग जो एसएमएस है ये बहुत ही इजिली अडॉप्टेड प्लेटफॉर्म है, आज हम सब काफी इजिली यूज कर रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो जाए कोई भी ट्रांजेक्शन बोल दो। बट आने वाले दिनों में व्हाट्सएप आरसीएस वाइबर ये नया एसएमएस 2.0 होगा। नहीं मैं जो समझा आपसे, सपोज कर आपने 10 पैसे में एयरटेल या किसी रिलायंस से लिया फॉर एग्जांपल, तो आपने मुझे जो सर्विस दी है इंटीग्रेट करने के लिए वो आपने 12 या 13 पैसे में दे दिया, राइट। जो आप मतलब आई एम जस्ट गिविंग रफ नंबर्स, जैसे आपने बोला 20-40% तक मार्जिन होता है, तो दैट इज द वे हाउ द बिजनेस वर्क्स, राइट। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। सो हां एसएमएस ही बोल रहा हूं मैं, आईपी ईमेल वो सब अलग अलग है, वॉइस वो सब अलग अलग है उसके। पर एट द सेम टाइम हमारा रूट मोबाइल का एक और भी ऑपरेटर्स वाला बिजनेस है जो हमारे रेवेन्यू का 10% जनरेट करता है, ये होता है हमारा फायरवॉल सॉल्यूशन। ये हम सिर्फ ऑपरेटर को बेचते हैं, यहाँ पे एंटरप्राइज कस्टमर नहीं आता है, यहाँ पे हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में काम करते हैं। आइडिया का कुछ पढ़ा था आइडिया में, हाँ एग्जैक्टली, जो आइडिया में हमने फायरवॉल इम्प्लीमेंट किया, ऐसे ऑलमोस्ट 10 ऑपरेटर है ग्लोबली जो हमारा फायरवॉल यूज करते हैं और हमारा वहां पे जितना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसके ऊपर हमारा रेवेन्यू शेयर होता है उनके साथ, तो हमारा वो SaaS मॉडल है। सो रूट मोबाइल का 10% रेवेन्यू जो SaaS से आता है, न कि मैसेजिंग वाला जो है, ये हमारा बहुत ही यूनिक है। इंडिया में क्या पूरी दुनिया में सिर्फ 5 कंपनियां हैं जिनके पास ये दोनों मॉडल साथ में चलता है, टूलियो जैसे कंपनी के पास भी उनका खुद का फायरवॉल नहीं है। अभी अभी अपना एसएमएस ही आता है सारे का सारा 90% जो मैं पोर्शन की बात कर रहा हूं, सीपास की बात कर रहा हूं, राइट। आई थिंक 90% हमारा मैसेजिंग है, ए टू पी सब मिला के है, और 10% रेवेन्यू जो आता है ऑपरेटर से आता है। गॉड सॉरी, आप ए टू पी के बारे में कोई भी गौतम जी, अलिक जी, मिलन जी, हिंदी में इज नथिंग बट एप्लीकेशन से जो आपको मैसेजेस आते हैं जो वो दैट इज ए टू पी, एप्लीकेशन टू पर्सन। पी टू पी इज पर्सन टू पर्सन, जो जैसे अगर मैं आपको कुछ टेक्स्ट करता हूँ, पर्सन टू पर्सन मैसेजिंग हो गया, जो अब पूरा व्हाट्सएप पे मूव हो गया। और ए टू पी हुआ ए टू पी एप्लीकेशन टू पर्सन। आपका जो नेट बैंकिंग मैसेजेस जो आते हैं फोन पे, वहाँ पे बैंक का सेंडर आईडी होता है एचडीएफसी बी के। अगर आप बुक टिकट्स बुक करते हो, आपको व्हाट्सएप को उसी ब्रांड से आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, वो है ए टू पी। परिंदर मैं इसको ना थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक फॉर द जनरल ऑडियंस, कि हम एंटरप्राइज को हेल्प करते हैं टू रीच आउट टू देयर कस्टमर, राइट। सो फ्रंट एंड पे हमारा प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज के साथ इंटीग्रेट होता है, बैक एंड पर हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर को यूज करते हैं। सो हम एज अ कंपनी वेरी एसेट लाइट है, वी डोंट इन्वेस्ट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑलरेडी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स ने ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, व्हाट्सएप वाइबर एप्पल सब ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम एंटरप्राइज से मैसेज लेते हैं थ्रू आर एआई एमएल, वी आइडेंटिफाई व्हिच इज द बेस्ट चैनल व्हिच विल गिव द बेस्ट आरओआई टू द एंटरप्राइज और उसके थ्रू हम डिसेमिनेट करते हैं। तो हम ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है 250 प्लस मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स ग्लोबली। सो हमारे पास वो एक रेडीमेड एक्सेस है जिसको आप एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रीच बोल सकते हैं, कि हम हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रीच से वी हैव रेडी एक्सेस टू 250 नेटवर्क्स ग्लोबली। तो हमसे बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटेंसी कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने काफी सारी ग्लोबल टेक जायंट्स के साथ वी आर देयर डायरेक्ट क्लाइंट्स। सो कहने का मतलब है जितना आपके रीच बढ़ेगा उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। बिकॉज़ इट्स अ वेरी यू नो व्हाट आई से, इट्स अ स्टिकी बिजनेस, राइट। अगर मैं
इज अ वेरी स्टिकी बिजनेस, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अगर मैं आपसे 10 कंट्रीज में काम करा रहा हूँ या 20 कंट्रीज में काम करा रहा हूँ तो छोड़ना बहुत मुश्किल है आपको, राइट? सो मैं एक चीज तो समझा सर, जैसे आपने बोला, मैं एक चीज समझ रहा हूँ कि आपने जैसे बोला कि चार पांच लेयर्स हैं सी पास की, चाहे वो वॉइस हो, चाहे आईपी हो, चाहे वो एसएमएस हो, उसमें अलग अलग मार्जिन होते हैं आपके। व्हाट इज द रीजन व्हाई मार्जिन वेरी? बाकी आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो इन्वेंट्री लेने का है कंपनी से, या किसी में टेलीकॉम कंपनीज है किसी में नहीं है, क्या वो वेरी कर सकता है कि वो स्टैग्नेंट रहते हैं हमेशा? So I'm only trying to understand कि आपका मार्जिन कितने से बढ़ सकते हैं। मार्जिन इज अ फंक्शन ऑफ द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम एक एसएमएस का सॉल्यूशन एकदम प्लेन वनीला भी होता है और एक एसएमएस का सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। सो हमने एक प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है जहां पर हम एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी को जो भी नए एंड्रॉइड फोन एक्टिवेट होता है उनको हम प्लेटफॉर्म के थ्रू बताते हैं कि आपका नया एंड्रॉइड फोन एक्टिवेट हुआ, विच इज एनेबल थ्रू अ शॉर्ट कोड, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो उस तरह की मैसेजेस में हम 60% मार्जिन भी बनाते हैं। Got it. So my reason for asking all these stupid questions was कि last में चार पांच तीन चार साल में देखा हमने, of course barring the last two three quarters, कि आपके gross margins कम हो गए थे, आपके EBITDA margins कम हो गए थे। Was that only because of the geographical mix? Because I'm sure आप लोगों ने Twilio और Sinch और सबका numbers पढ़े होंगे, these guys operated 60-70% margins which you know we don't। तो उसमें क्या reason है sir? No, so Sinch और मतलब अगर आप Root Mobile बोलोगे तो we are largely मतलब अभी तक ज्यादा मैसेजिंग डोमिनेटेड है, इसलिए आई थिंक हमारे ग्रॉस मार्जिन आर बिटवीन 20-25%। ट्विलियो बोलोगे, ट्विलियो का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल उनका डिफरेंट है बिकॉज वो यूएस मार्केट से बिलोंग करते हैं पहली बार, और वहां पे एक डेवलपर और स्टार्टअप इकोसिस्टम वाज ऑलवेज थ्राइविंग, तो उनको एक रेडी एक्सेस है टू डेवलपर इकोसिस्टम। तो उन्होंने बहुत हद तक क्या किया है, अपनी एपीआईस को वाइडली मतलब रिटेलाइज कर दिया है टू द डेवलपर्स, सो दे हैव अ रैक रेट, उस रैक रेट पे बेचते हैं जिसकी वजह से उनको मार्जिन ज्यादा मिलता है। वेरस हम लोग ज्यादातर मोर एंटरप्राइज सेवी हैं, सो वी गो टू एंटरप्राइजेस एंड देयर आर बायलैटरल नेगोशिएशंस दैट हैपन व्हिच इज मोर कॉम्पिटिटिव। इसलिए व्हेन यू आर मोर एंटरप्राइज सेवी योर ग्रॉस मार्जिन विल बी बिटवीन 20-30%। बट जैसे जैसे आई थिंक इंडियन इकोसिस्टम बढ़ रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया बेटर हो रहा है, तो हमने भी हमारी एक रैपिड प्रोग्राम चालू करी है। I think Rajdeep will definitely be walking talking about that. So, our rapid program mein, we'll open up our APIs or retailize our APIs to the developer ecosystem. So, aap agar aaj dekhoge, digital is the new constant. Aur digital mein, this is the new FMCG. I mean, is baar mere khayal mein apna jo India aur wo EMEA ka jo share hai, 70% ke aaspaas hai, right? जो बड़ा है, दैट आल्सो बिकॉज़ जैसे आपने बोला कि Twilio हैज अ मैक्सिमम एक्सपोजर टू यूएस मार्केट एंड दैट इज व्हाई यू नो व्हाटएवर मार्जिंस दे हैव एंड ऑफ कोर्स इज अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल ऑल टुगेदर, बट द रीजन व्हाई दीस कंपनीज आर बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट, यू नो नॉट ओनली द प्रोडक्ट डिफरेंस इज देयर बट एंड द इकोसिस्टम इज देयर, जो आपने गौतम जी बोला, बट ऑल्सो द ज्योग्राफिकल फोकस, राइट? तो वरिंदर जी, Twilio और हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मोर ऑर लेस सेम है। आई थिंक द टारगेट मार्केट जो है ना उसमें डिफरेंस है। But I thought that I should compare you with Sinch more, not Twilio, right? So Sinch, so any, I think all players outside of US, I mean, if you ignore Twilio or Nexmo, largely most other players are more enterprise savvy. Okay. Rajdeep ji, aap kuch bol rahe the? To Arindya ji, unke jo margin portfolio, hamare margin ke aaspaas hi hai, 20-25% hi hai Sinch ka bhi aur baki logo ka. जो जैसे Twilio का एक और भी additional advantage है voice business. उनका voice business बहुत बड़ा है और voice business से margin is much higher. Got it. Nee, so, as I understand, you know, please correct me wherever you know you think that मैं गलत बोल रहा हूँ। तो हमारा जो exposure है इंडिया में ज्यादा है, इंडिया और EMEA markets में है 70% है, plus हमारा भी 90% SMS का है, ठीक है? And we are trying to migrate more and more towards IP based business and other businesses, RCS हुआ या voice हुआ, and when that transition happens, the transition may happen in next 1-4 years whenever, and then we will see ki we are now getting more and more in equilibrium with those companies, you know, which a lot of people talk about, right? So Varinder ji, pehle to India hamara 70-75% in terms of volume hai, in terms of value bahut chota hai, it is about 45%, chota nahi hai matlab, but India hamara over last 2 years evolve hua hai, pehle 20% hua karta tha revenue ka, ab humne zyada aggressive ho gaya because Indian market has matured a little bit. पहले क्या था, यहाँ पे 10-10 ऑपरेटर थे, 10 से ज्यादा ऑपरेटर्स थे, तो देयर वाज नॉट अ स्टेबल फ्लोर दैट वाज देयर, बट अब क्या ऑपरेटर कंसोलिडेशन से फ्लोर स्टेबल हो गया,
अब ग्रॉस मार्जिन यार इस मार्केट की काफी इंप्रूव हो गई है, तो हमने ज्यादा एग्रेसिवली अब इंडिया में फोकस करना स्टार्ट किया है। जस्ट टू ऐड वरिंदर जी, हमारा जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 84% जो है फॉरेन करेंसी में आता है और सिर्फ 16% जो रेवेन्यू है वो आईएनआर में आता है। तो हमारे जो इंटरनेशनल, जो हमारा इंडिया में टर्मिनेशन भी होता है, वो हमारे इंटरनेशनल कस्टमर जो हमें डॉलर में पे करते हैं वो इंडिया में टर्मिनेट करते हैं। नहीं सर, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने रेवेन्यू साइड से सीख लिया आपसे, कॉस्ट साइड पे एनी वेरिएशंस, जैसे मैं बोलूँ कि वो स्टैग्नेंट रहता है कॉस्टिंग इन्वेंटरी का, कि उसमें भी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं आगे जाके, कि इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ योर रिलेशनशिप विद द टेलकोस। तो यूजुअली हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ना पास थ्रू रहता है। अच्छा। कि अगर प्राइस अगर ऑपरेटर बढ़ाता है तो हम पास थ्रू कर सकते हैं। सम केसेस में क्या होता है, प्राइस अगर बहुत इरेशनल बढ़ जाता है, जैसे 10 पैसे का प्राइस अगर 1 रुपया हो जाता है, तो हम पूरा मार्कअप उतना परसेंटेज नहीं लगाते हैं, फिर हम थोड़ा परसेंटेज कम करते हैं। बिकॉज इफ यू लुक एट इट, आवर्स इज अ प्लेटफॉर्म, राइट? सो वी कैन स्वेट इट एज मच एज वी वॉन्ट, बिकॉज हमारे पास उसमें कोई केपेक्स या ओपेक्स इंक्रीमेंटली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो राइट, सो इन अ वे इट्स अ अनलिमिटेड आरओसी प्रोडक्ट। सो हम अगर उसको अगर 10 टाइम प्राइस बढ़ता है तो हम उसमें फिर 20% मार्कअप नहीं करके 17% मार्कअप में भी विल मेक मोर मनी, राइट? सो वो नेगोशिएशन हम करते हैं टू प्ले ऑन स्केल, आई मीन दैट इज अ गेम ऑफ स्केल। गॉट इट। सर एक राजदीप जी जो क्वेश्चन हमेशा हर कोई पूछता है, ठीक है ना, और आई डोंट नो व्हाई, ऑनेस्टली आई टोटली डिसएग्री विद दैट, कि यार जब भी इंडियन कंपनीज की बात करो सबसे पहले लोग ये डर जाते हैं कि बाहर वाला इतना बड़ा है तो हम लोग कहां से उसके साथ कम्पीट कर लेंगे, ठीक है ना। मैं ऑनेस्टली आई एम अ बहुत इंडियावादी पर्सन, तो ये सब चीजें जो होती है ना कि चलो रूट है या चलो तानला है या कोई और कंपनी है, बट उनके सामने ट्विलियो है, सिंच है, डिसरप्शन रिस्क है, एक्सटेंट हो जाएंगे। आई एम नॉट, प्लीज हेल्प अस टू क्लेरिफाई दीज थिंग्स, कि सर आपने 1 लाख रुपए से अभी ऑलमोस्ट $1 बिलियन कंपनी बना दी है, ये अभी तक ये सब चीजें हैं, आपने इकोसिस्टम देखा हुआ है, ये सही है गलत है, कितना डिसरप्शन का रिस्क है, कितना एक्सटेंक्शन का रिस्क है? वेरी गुड क्वेश्चन रहने जी, और हमारा शायद 1 बिलियन के ऊपर हो गया है, आई थिंक इफ आई नॉट रॉन्ग। और रही बात दो चीजें, आप ये समझिए कि 16 साल में रूट मोबाइल ने किया क्या, पहली बात हमने अपना नेटवर्क ऑपरेशन कनेक्टिविटी जो है सुपर नेटवर्क जो है एशिया अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में इतना स्ट्रांग बना लिया कि आज के दिन में आप जितनी भी कंपनियों का नाम ले रहे हो वो हमारे कस्टमर हैं, वो हमें यूज करते हैं अपना मैसेजेस टर्मिनेट करने के लिए इन कंट्रीज में। ट्विलियो स्ट्रेंज आर योर कस्टमर्स सर, आप जितने भी नाम ले लो, वो यूएस वाले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप मैं बता रहा हूँ जितने भी है सब हमारा यूज करते हैं और काफी अच्छी बिलिंग होती है, मतलब उसमें। तो आप व्हाई कांट दे कम डायरेक्टली, सॉरी फॉरगेट द नेम, दिस इज अ गुड क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आंसर। सिंपल एग्जांपल, हम एक ऑपरेटर का लेते हैं अफ्रीका में, नाइजीरिया में ऑपरेटर है समझो, हम उससे 15 साल से काम कर रहे हैं, हमने एक रिलेशन बन किया, हमने वहाँ उस मार्केट में हमारा लोकल वॉल्यूम भी बिल्ड कर लिया। आज हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन उस अफ्रीकन कंट्री में लगभग 300 मिलियन पर मंथ जाता है, इसलिए हमें लोवेस्ट प्राइस मॉडल है। और जैसे ही अगर टूलियो जाता है, बोलता है मेरे पास 5 मिलियन ट्रैफिक है, आप मुझे रूट का प्राइस दे दो, कभी नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा, आप रूट मोबाइल के थ्रू आओ, हमारा प्रीफर्ड पार्टनर है। अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर है जो हमारे प्रीफर्ड पार्टनर है। और टूलियो को और इन सारी कंपनियों को लगता है कि अगर डायरेक्टली वहां जाके 10 हायर प्राइस पे करने से अच्छा रूट मोबाइल से नेगोशिएट करके रूट मोबाइल का पार्टनर बन जाओ। आज जितनी भी कंपनियां हैं, आप अगर हमारा रेवेन्यू देखो, एक एग्रीगेटर का रेवेन्यू भी दिखता रहेगा हमारे उसके अंदर, तो वो सब हमारा प्लेटफॉर्म यूज करती है एशिया अफ्रीका मिडिल ईस्ट में, अब लैटिन अमेरिका में भी यूज करती है कुछ कंट्रीज में, बिकॉज उनको लगता है कि दे कैन नॉट गो टू दिस मार्केट एंड क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ वॉल्यूम टू गेट अ बेटर प्राइसिंग। And it will take years for them to do that rather than they can start partnering with the people like Route Mobile. And see, if Twilio or कोई हमारा platform use करता है तो हमारा platform उनके बराबर ही है. Of course. तो मैंने ये भी सुना था sir, Twilio is trying to enter into India and when they are searching for acquiring a company. I don't know, Route से बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था, वो भी मालूम नहीं है. But ये भी सुनने में आया था कि Twilio वो unlisted space में कुछ companies देख रहा है. आपसे भी बात करें तो भी बता दीजिए. नहीं सर, वी आर नॉट ऑन सेल फॉर श्योर, मतलब हम तो वी स्टिल बिलीव दैट कि हमारा अगला 5 साल बहुत ही स्ट्रांग है और अगले 5 सालों में रूट मोबाइल का विजन होगा इनोवेशन, और हम हमेशा फोकस करेंगे कि नई चीज़ों को लेके और नई चीज़ों को इंटीग्रेट करें ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों साथों में। अगर टूलियो इंडिया आ भी जाता है तो किसी लोकल बंदे को खरीदेगा, राइट? एक मेरा सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिए इस बात को, उस लोकल बंदे से हम कम्पीट कर ही रहे हैं इंडिया में। टूलियो अपनी टीम ला के यहाँ तो बिल्ड नहीं कर रहा है, टूलियो अपने लोगों यहाँ भेज तो नहीं रहा है,
टूलियो हमसे कम्पीट क्या करेगा, टूलियो की एबीसी कंपनी टूलियो बन जाएगी, पर वो एबीसी 15 साल से इंडिया में हमारे साथ कम्पीट कर ही रही है, तो हमें चैलेंज कहाँ पे है? बट दे कैन हैव अ कल्चर, पीपल, टेक्नोलॉजी, राइट? दोस थिंग्स एमएनसी कंपनीज हैड देयर बेस इन इंडिया एज वेल. टेक्नोलॉजी करो जो एक एंटरप्राइज को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आज की डेट में तो हमारे पास सारा चीज अवेलेबल है, हमारे पास सब कुछ वही कर रहे हैं, और उसकी जो टीम होगी इंडिया वाली वो तो वहां से नहीं, यूएस से सारे लोग आके यहाँ पे चलाएंगे, ये इंडिया वाली टीम होगी. कंपटीशन तो हम रोज उनसे, हमारे लोग सेल्स वाले लोग मार्केट में मिलते होंगे, तो ऐसा क्या और यूनिक होगा वो टूलियो के पास? क्या होगा भाई, वही प्लेटफॉर्म जो इनके पास था उससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया? अरे नहीं, उससे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर हमारा कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म से खुश हो, क्यों दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा? इसलिए नहीं है कि टूलियो, टूलियो आएगा तो बोलेगा मैं 20% नहीं 50% मार्जिन करूंगा, तो यहाँ पे तो वो भी एक चैलेंज हो जाएगा. तो हमारे लिए तो कोई चैलेंज है ही नहीं, वो किसी को खरीद ले हमसे, क्यों तो हम तो कम्पीट कर ही रहे हैं उनसे ना. मोटा तीन चीजें होती है. एक तो हमने जिस सेक्टर सेगमेंट में जब काम किया, जब हम अफ्रीका गए या एशिया जब गए, हम तब गए जब कोई नहीं जा रहा था, तो हमने अनऑर्गेनाइज मार्केट को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया, राइट? और अगर आप टेलीकॉम फॉलो करते हैं, किसी टेलीकॉम ऑपरेटर में एक प्लेटफॉर्म लगाना, निगोशिएट करके, ये एनीवेयर बिटवीन 3 to 6 मंथ्स मिनिमम एक्टिविटी है, राइट? फ्रॉम निगोशिएटिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, क्लोजिंग, डिप्लॉइंग द प्लेटफॉर्म, ये सारा, राइट? और ऐसे आप इमेजिन करो, अफ्रीका में उस कॉन्टिनेंट में 500 देश है, एशिया में 500 देश है, उस हर देश में हर एक ऑपरेटर के साथ जाके प्लेटफॉर्म लगाना, निगोशिएट करना, डिप्लॉय करना, ये करते करते कितनी भी बड़ी या कितना भी पैसा तुम्हारे पास में क्यों ना हो, 1, 4, 5, 6 साल लग जाएंगे, राइट? तो जब हमने 15 साल से अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज किया, तो हमने एक तरह से मोट बना लिया है, जिसे हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में, विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी रिस्क अराउंड दैट. ये एक पॉइंट है. दूसरा, आप देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम, आपने एलेक की भी बात पहले भी सुनी होगी, आज भी आप सुनेंगे या सुन रहे हैं, कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट करे हैं, वेदर इट इज SMS, वॉइस, ईमेल, व्हाट्सएप, वाइबर, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर DM, सारे नेट, सारे मैसेजिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वहां पे भी मोटा मोटा हम एक हेज कर लेंगे अपने आप को. रही बात तीसरी, विच इज मार्केट्स, कि कौन सा देश में आप काम कर रहे हैं और आपके पास उस देश में एग्जीक्यूट करने की पावर है कि नहीं है. राजीव सर ने आपको वो भी बता दिया कि हम लगभग 18 देशों में उपस्थित है और वहां पे हमारा फोकस है. प्लस ये भी बता दिया कि वैल्यू वाइज इंडिया इज हार्डली अबाउट 15-16 व्हाटएवर, अंडर 20%, बट 80% हम बाहर से आते हैं. तो हमें तो ये लगता है एज अ मैनेजमेंट टीम कि हमने जो तीनों कोर एलिमेंट है, कि क्या आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया है, क्या आपके पास प्रोडक्ट स्प्रेड या डेप्थ और विड्थ आप जनरेट कर रहे हो, क्या आपके पास मार्केट का रीच और अवेलेबिलिटी है, हमारे व्यू में एज अ मैनेजमेंट टीम हमने तीनों चीजों को काफी अच्छी तरह से एक जिसे कहते हैं घेराव करके हमने उसको अच्छी तरह से सान दिया है. अब जैसे मार्केट ग्रो करेगा तो वी थिंक. आई गॉट इट सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, आपने और राजदीप जी ने, तो मैं ट्विलियो का समझ गया सर, ठीक है. अभी दूसरा चीज है हाइपोथेटिकली, ठीक है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूँ, यू नो, मुझे आपका धंधा बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार रूट ही सारा पैसा क्यों कमाए, मुकेश अंबानी जी बोलते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा तो रिलायंस है. तो किसी नए प्लेयर को इस फील्ड में आना कितना मुश्किल या कितना आसान है सर, यू नो? और फॉरगेट अबाउट एमएनसी प्लेयर, लेट्स टॉक कि भारती हुआ, रिलायंस हुआ, वो भी कोई डिसरप्शन करने के लिए बोलते हैं कि मैं भी करता हूँ. ये जी क्वेश्चन वर्दे बहुत अच्छा है, लेकिन 16 साल से जितनी भी इंडियन कंपनी सबने ट्राई किया इंटरनेशनल जाने के लिए, किसी भी कंपनी ने इंटरनेशनल मॉडल नहीं क्रिएट कर पाया जो आज रूट मोबाइल के पास है. सारी की सारी इंडियन कंपनी जो है एग्रीगेटर, वो सिर्फ इंडियन ऑपरेटर, 4 ऑपरेटर कनेक्ट करती है और इंडियन इंटरप्राइज पे फोकस करती है, और इंडियन इंटरप्राइज पे ही किया. उन्होंने बिल्ड ही नहीं कर पाए, ट्राई भी किया हुआ कुछ लोगों ने, नहीं बिल्ड कर पाए उसको. सही सही सही, नो आई एग्री विद दैट. जैसे मैंने बोला, जब आपने चालू किया तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा, तो उन्होंने कुछ अभी तक किया नहीं है. आई डोंट नो वेदर यू विल आंसर दिस क्वेश्चन नॉट सर. हम ट्विलियो के बारे में बोलते रहते हैं, सिंच के बारे में बोलते रहते हैं, गौतम जी 10 चीजें हमें और सिखाते रहते हैं, ये आप में और तानला में क्या डिफरेंस है? हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में कितने बिलियन मैसेजेस जाते हैं, यू नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ योर रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम मैसेजेस ओनली. हाउ बिग आर यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट शेयर SMS इन इंडिया एंड वर्सेस तानला? सो आप, हम दोनों लिस्टेड प्लेयर हैं, मतलब हाँ जी, और कहीं ना कहीं हम अच्छे दोस्त भी हैं वाली मार्केट में, और कम्पीट भी करते हैं मार्केट. अब मैं
नंबर्स आपको पता होगा सामने वाली कंपनी का, मैं सामने वाली कंपनी के बारे में नहीं बोल सकता। आपको एक सिंपल मैथ देता हूँ, हम 1400 करोड़ रेवेन्यू करेंगे 30 बिलियन SMS में, ठीक है, 30 बिलियन SMS भेज के 1400 करोड़ का रेवेन्यू होता है, और शायद दूसरी कंपनी का बहुत ज्यादा मैसेज भेज के एक्सपायर नंबर होता रहेगा। अगर आप नंबर देखोगे तो रेवेन्यू रियलाइजेशन पर मैसेज जो होता है रू मोबाइल का बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, राइट। तो आपके पास वो नंबर होंगे शायद, आपके पास आप रेफर भी कर सकते हो कि क्या है। अब रही बात, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ एमिरेट्स की। समझो एमिरेट्स एयरलाइंस है, वो एक RFP फ्लोट करती है, वो कहती है कि भाई मेरे पास एक ऐसा वेंडर चाहिए जिसके पास 180 कंट्री का कनेक्टिविटी हो, जो मुझे डिलीवर कर सके, ठीक है। उस लेवल पे क्या होगा कि अगर कोई इंडियन कंपनी जाके बोले कि मैं इंडिया आपको दे दूंगा, कोई UAE कंपनी आके बोले मैं आपको UAE दे दूंगा, सऊदी वाला बोलेगा सऊदी दे दूंगा, उसके लिए तो अच्छा 180 वेंडर बन जाएंगे, राइट। अब रूट मोबाइल जाता है, बोलता है मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे 180 कंट्री दे दूंगा। तो जब रूट मोबाइल होता है, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल प्लेयर आता है, राइट। जो डोमेस्टिक के कंपनी आज है इंडिया में, वो सिर्फ डोमेस्टिक ही दे सकती है और डोमेस्टिक पे ही कर रही है। तो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कॉस्ट रियलाइजेशन पर ट्रांजेक्शन इज मच हायर देन एनीबडी इन इंडिया। सेकेंड ये है कि वी आर ग्लोबल CPaaS प्लेयर। अगर आप मेरे पास एक लार्ज एंटरप्राइज आते हो, ओटीटी प्लेयर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ओटीटीज को हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पर उस ओटीटी प्लेयर को हम एक कंट्री में नहीं करते, हम एक लार्जेस्ट ओटीटी प्लेयर को एक ऑलमोस्ट 36 कंट्री में सपोर्ट करते हैं। अब सर मैं एक दूसरा कंपनी में बोलूंगा यार आप 20% में काम करते हो, मैं वॉल्यूम के साथ 15% में काम करने को तैयार हूं और 10% में करने को तैयार हूं। चाहे वो गूगल हो चाहे फेसबुक हो, वो बोलता है कि मैं हर कंट्री में जाके एक वेंडर को सिलेक्ट नहीं करूंगा। No, that is given to you, sir. That is given to Root because of the global reach, जो आपने बोला। मैं तो सिर्फ रेवेन्यू पर SMS की सोच रहा था थोड़ा सा, जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि मैं बोल रहा कि मार्जिन डिफरेंस कैन कम टू डिफरेंट कंपनीज बिकॉज वट एवर दे परसीव, लाइक मैं 10% पे काम करने में खुश हूँ, आप 20% पे काम करने में खुश हूँ, वो हो सकता है, राइट? नहीं, पर आई थिंक हर हमारे जो जितने भी ग्लोबल CPaaS प्लेयर हैं जिसे हम कम्पीट करते हैं, सबका मार्जिन पोर्टफोलियो सेम ही है। Got it. तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही बार आता है और बहुत ही लोगों से भी आता है, तो इसमें हमारा तो एक ही है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट वन कंपनी, इट इज क्वेश्चन अबाउट ऑल अदर कंपनीज आल्सो हु आर डूइंग बिजनेस इन दिस कंट्री, ठीक है। इट्स अ ह्यूज मार्केट, राइट, मकी, व्हेनेवर यू रीड अबाउट ऑल द प्लेयर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट क्रेजी नंबर्स। बीच में किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपका इंडिया का मार्केट जो है 10% है या 12% है, सामने वाली कंपनी का मार्केट इतना बड़ा है, ठीक है। मैं बोला सर मैं तो ग्लोबल में बैठा हूँ, इंडिया में तो भी 2013 में मैंने चालू किया है, मेरे पास 90% का अपॉर्चुनिटी है। आप इसको उल्टा सोचिए ना कि आई हैव अ 90% मार्केट विच इज इंडिया, आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी विच कैन बी, आई कैन, इफ आई डू राइट थिंग इन द राइट टाइम, आई मे गेट टू अ हायर मार्जिन इन इंडिया ऑल्सो, मार्केट शेयर इन इंडिया ऑल्सो, राइट। सो मेरे लिए तो इंडिया बड़ा मार्केट है, जो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के 6000 करोड़ के रेंज में आ गया है। बट सर इंडिया में पैसा बनता नहीं आपका उतना जितना आपको यूएस या बाहर जाके बनेगा, आपको उसमें बनेगा। सो आई आई डोंट नो वेदर यू वांट टू थिंक दैट यू हैव टू इंक्रीज दैट प्रोपोर्शन मोर, बिकॉज हमारा मार्जिन गिरा इसलिए गिरा बिकॉज द यूएस एंड EMEA मार्केट, इंडियन EMEA मार्केट का परसेंटेज बढ़ गया, राइट। बट वरिंदर जब इंडिया का जो भी परसेंटेज है GP है उसका भी काफी अच्छा हो रहा है यहाँ पे भी, बिकॉज DLT जैसे प्लेटफॉर्म जो डिप्लॉय हुए हैं, ट्राई के जो गाइडलाइंस है उससे क्या हो, स्पैम वाले मैसेजेस और जितने भी ऑपरेटर है उनको ये कैसा हो गया है कि बिकॉज ऑपरेटर को लगता है कि वॉइस का बिजनेस कम हो रहा है, तो ओनली वे दे कैन मेक मनी SMS और व्हाट्सएप जैसी RCS सोल्यूशन से। तो इंडिया भी मार्केट ग्रो होने वाला है और इंडिया का मार्केट मल्टीफोल्ड ग्रो होने वाला है, क्योंकि आज के दिन भी 30-35% जो मार्केट है इंडिया का वो सिर्फ स्मार्टफोन यूज करता है, 65% अभी भी स्मार्टफोन नहीं करता यूज। सो वो जो मार्केट जब अडॉप्ट करेगा स्मार्टफोन को आने वाले 2-3 साल के अंदर, तो हमारा अपॉर्चुनिटी और बढ़ने वाला है इंडिया में। सो आई एग्री विद दैट। सो अपना मार्जिन कभी भी वो ट्विलियो जैसा नहीं जाएगा बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट कंपनी एंड प्रोडक्ट एंड मार्केट टुगेदर, ठीक है ना? No, 25-30% इज अ रीजनेबल नंबर्स टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज़ सिंस यू आर वांट टू फोकस मोर इन इंडिया नाउ। Not in India. We will definitely not focus in only in India. We will focus in Indonesia. We will focus in Philippines. We will focus in Latin America, Brazil, Colombia, Ghana, South Africa, all countries.
हम सब जगह वो करेंगे, हमारे लिए कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं है, हमारा तो ग्लोबल सेल्स टीम भी है राइट, उनका भी ये केयर है कि भाई आपको उस रीजन से बिजनेस लेके आना है। अगर हमने किसी को यूएस में हायर किया है तो उसको ये नहीं बोलेंगे तो इंडिया में आके बिजनेस कर, तो यूएस वाले एंटरप्राइज को लेके आ, और यूएस में ही हमारा फर्स्ट जो मोटिव है और हमारा जो टारगेट है हाउ टू ऑनबोर्ड मोर यूएस बेस्ड कस्टमर ऑन आवर पोर्टफोलियो सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर मार्जिन इन कमिंग डेज। So, वही पूछ रहा हूँ सर कि the normalized margins for us as a company in the next 1-3 years should be touted between 25-30% or you're targeting say 35-40%? Sir, everything is possible. आप ये सोचिए ना कि जैसे ही adoption WhatsApp पे चला जाए, RCS पे आ जाए और आपका email पे आ जाए तो adoption पे अपने आप ही margin बढ़ जाएगा। Got it. सर मेरा क्वेश्चन है ये वॉलेट शेयर पे, यू नो मैं जब भी बात करता हूँ बहुत सारी और अनलिस्टेड सीपास कंपनी से भी, वो सब बोलते हैं कि यार मेरे पास भी गूगल है, मेरे पास भी फेसबुक है, बाकी ऐसा हो गया कि सबके पास ही सब कुछ है। सो यू नो आपका भी गूगल, फेसबुक, अलीबाबा सब आपके मेजर क्लाइंट्स है सबके सब, ठीक है, आई थिंक दे आर ऑल्सो परसेंटेज, लार्ज परसेंटेज कस्टमर्स इन द एंटायर रेवेन्यू पाई। What is the now growth? बाकी growth मतलब कि Indian IT companies में हमने देखा कि सब Citibank भी आ गया था, सब बड़े-बड़े banks globally आ गए थे। It made a difference to the industry जब वो percentage of wallet बढ़ा था उन companies में। How do you see this? Because you talk to anyone वो बोलते हैं कि सबको थोड़ा-थोड़ा धंधा सबको देते रहते हैं वो लोग, यार आप इतना बड़ा गुणगान क्यों करते हो? नहीं नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आंसर करना चाहता हूँ, और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमारा सर ये सबका अहंकार है, मेरा नहीं है। नहीं, मतलब जरूरी था कि ये प्लेटफॉर्म की वजह से, अब ये कोई भी आपने जो भी कंपनी का नाम लिया, हम उनको सिर्फ इंडिया में नहीं सपोर्ट करते हैं, 30 कंट्री में करते हैं, 50 कंट्री में करते हैं, 100 कंट्री में करते हैं, तो हम उनका वॉलेट शेयर सिर्फ इंडिया वाला कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हम उनको सपोर्ट करते हैं 30 कंट्री में। अगर इंडिया में हम उसको $1 million करते हैं तो रिमेनिंग कंट्री में भी और भी करते होंगे ना, तो जो इंडिया वाले लोग हैं अगर बोलते हैं कि भाई ये तो सबको करते हैं, अरे लेकिन रूट मोबाइल को 30 कंट्री में यूज कर रहे हैं तो कुछ तो डिफरेंट है, हमारा कनेक्टिविटी एडवांटेज है, सुपर नेटवर्क हमारा काम करता है, अगर कोई कंट्री मुझे 100 कंट्री में यूज करे, ओटीटी प्लेयर है, लार्ज ओटीटी प्लेयर, तो हमारे प्लेटफॉर्म में उसको ट्रस्ट तो है कि 100 कंट्री में रूट मोबाइल डिलीवर करेगा जो हमने बिल्ड किया है। तो वॉलेट शेयर हम सिर्फ इंडिया वाली बात नहीं कर रहे हैं, अगर हमें कंपेरिजन करो तो उस कंट्री में भी जाओ, 30 कंट्री में जाओ, 50 कंट्री में जाओ, जहां उनको सब कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उस तरह से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम उस कंट्री का, हमें ये नहीं एक्साइटमेंट है कि हम गूगल या फेसबुक को सपोर्ट करते हैं, हमें ये एक्साइटमेंट होता है और हमें प्राउड फील होता है कि हम उसको 30 और 50 से 100 कंट्री में सपोर्ट करते हैं, वी फील दैट एज अ प्राउड स्टेटमेंट। वेरी वेरी नाइस सर, आई बहुत अच्छा लगता है सुनते ही कि हम एक इंडियन कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है सर। जस्ट टू ऐड, हां जी, काफी सारी ये बड़ी कंपनीज ना ये बाय इनविटेशन बुलाती भी हैं जब उनकी RFPs वगैरह होती हैं, तो इनवेरिएबली वी वुड बी among the few Asian companies to be participating in some of those RFPs. Exactly. Very nice. Sir, a client concentration risk. आपने सुना होगा सब कॉन कॉल्स में, आपके इन्वेस्टर से सबसे सुना होगा कि यार ये रूट बहुत टाइम से बोल रहा है कि हाँ भी ये थोड़ा सा कम करेंगे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। इफ यू कैन गिव सम नंबर्स कि अभी तक हमारे यू नो जो टॉप के 5 क्लाइंट्स है उनका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि ये सही है गलत है, लेट अलोन जो भी एनालिस्ट बोलते हैं अलग बात है, बट आपका क्या फोकस है इसमें? तो सर पहली बात वरिंदर जी, इसमें अपने जो कंसंट्रेशन बोलते हैं क्योंकि हम बिलिंग एंटिटी एक ही एंटिटी को बिल करते हैं, अब आपने जैसे एग्जांपल दिया वो लार्ज ओटीटी प्लेयर्स, हम कुछ कुछ ओटीटी प्लेयर्स को ओवर 100 कंट्रीज में सर्व करते हैं, तो हमारे लिए तो वो 100 यूनिक अकाउंट्स है जो बिलिंग एंटिटी में हो रही है, सो हम और नॉट ऑल 100 कंट्रीज विल कोलैप्स एट वन टाइम राइट, आई मीन सो सारे धंधा एक साथ नहीं बंद होगा, तो टू दैट एक्सटेंड हमें लगता है कि हमारा बहुत ही वाइड स्प्रेड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बिलिंग है, दो बिलिंग एंटिटी इज वन, बट आई मीन वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट एज वी कीप एडिंग मोर कंट्रीज टू दैट पाई फॉर ईच क्लाइंट, वो तो बिलिंग बढ़ेगा ही, और अभी तो हमने सिर्फ 36 कंट्री सर्व करी है फॉर वन ऑफ द लार्ज ओटीटी क्लाइंट्स, फॉर अनदर ओटीटी क्लाइंट वी आर सर्विंग देम इन ओवर 100 कंट्रीज, तो हमारे लिए रनवे तो वहां पे 36 से 100 भी जाना है। Google या Facebook, right? हमारा पॉइंट वही है ना कि हम तो 100 कंट्री में सर्व करेंगे। नहीं, I agree, but I'm just saying as a founder, what is your vision in terms of कि यार वरिंदर की this is the way I think कि 10 क्लाइंट मेरे 50% भी हो जाएंगे तो मुझे चलेगा, because that is the way I think, or you want to get it down? नहीं नहीं सर, मैं तो ये 10 क्लाइंट को 50% पे लेके आऊंगा, लेकिन 10 क्लाइंट का रेवेन्यू कौन से मिक्स से आ रहा है, उसकी डिपेंडेंसी कितनी कंट्रीज पे है,
उसका मेरा उस कंट्री में कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये सब मेरे लिए मायने रखता है। अगर मैं अफ्रीका में वन साइड हूँ तो मैं उस अफ्रीका वाली मार्केट को कोई मुझे हिला नहीं सकता है, इसलिए मैं उस कंट्री में लाना चाहूंगा सारे ऑपरेटर को, ओटीटी प्लेयर्स को। और ये हमारा यूनिक वो है। अगर मैं एशिया में जाता हूँ, बांग्लादेश चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, नेपाल चले जाओ, वो सहा हमारा फायरवॉल लगा है। कोई भी हो, अगर बांग्लादेश से मैसेज भेजना है वो हमारे थ्रू जाएगा वो। तो हरिंदर जी, सॉरी राजू, और बरिंदर जी, हमारा चीज ये जर्नी जो स्टार्ट हुआ है, एंटरप्राइज फोरे का जो जर्नी था, लास्ट चार साल में हमने स्टार्ट किया है, और कुछ बड़े बड़े ये जो ग्लोबल टेक जायंट क्लाइंट्स हैं हमने क्रैक किए हैं। हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ी एक ई-कॉमर्स ग्लोबल कंपनी हायर को ऑनबोर्ड किया। अभी धीरे धीरे हम जो टीम बढ़ा रहे हैं, ये यूनिकॉर्न्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सब धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, और जैसे जैसे ये ऐड होंगे वो आपको दिखेगा ना कि उनकी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है, वो 5 मिलियन से 10 मिलियन से 15 मिलियन बिलिंग होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दैट रिस्क विल कम। ओह आई एग्री। तो आप वो ई-कॉमर्स वाला कंपनी अलीबाबा बोल रहे थे? अरे वो तो सर आपका अच्छा। सो जो सारी की सारी जो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स होती है सर, अभी वो बोलते हैं कि जो सीपास इंडस्ट्री है दैट विल ग्रो फ्रॉम सम 17.5 बिलियन डॉलर्स टू grow to $17.5 billion in 2024 from existing $4.5 billion. Simple सी बात है, वो बोल रहे हैं कि 30-33% growth करेगा CPaaS industry. Am I right to assume कि Route Mobile भी आगे जाके कम से कम 30% revenue growth तो करना ही चाहिए? सर हम तो 46% grow कर रहे हैं अभी वैसे। नहीं मैं आगे जाके बोल रहा हूँ सर। But करेंगे, मतलब why we should not consider that kind of growth rate? Lovely, lovely. और जो हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन और एक्सपांशन कर रहे हैं बोथ ऑन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक वी वुड ऐड अनदर 5-7 billion dollars एज एन एड्रेसेबल मार्केट। Wow. अगर आप देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 5 साल में by 2025 हम जिस एड्रेसेबल मार्केट में खेलेंगे दैट वुड बी एट द करंट रेट समवेयर इन द रेंज ऑफ बिटवीन 30-35 billion dollars के एड्रेसेबल मार्केट में खेलेंगे। सो दैट इज द हेडरूम फॉर ग्रोथ फॉर विच वी आर राइट नाउ काइंड ऑफ प्लानिंग राइट फ्रॉम our team plans, from organization planning perspective, talent hiring perspective, what kind of a compliment? No, understood, sir. Sir, एक और question है राजदीप जी, again stupid question from my side. ये बोलते हैं कि सारी companies जो grow होती है वो acquisition करती है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि बल्ले बल्ले हो जाती है, वो तांडला कुछ कर रहा था, कैरिक्स आया, पता नहीं सबको क्या हो गया। सो आपके भी बिजनेस में क्या सर acquisitions आएंगी तो आप ग्रो करोगे? कि एक तो होता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, तो थोड़ा सा वो समझाइए हमें। वरिंदर जी 16 साल से ना अगर आप देखो हम ऑर्गेनिकली ग्रोथ किया आज तक, हमने कुछ एक्वायर ही नहीं किया, जो छोटा मोटा एक्वायर एक्विजिशन किया वो ऑपरेटर साइड। कितना कंपनीज को एक्वायर की थी राइट सर आपने? हमने कंपनियां जो एक्वायर की है वो ऑपरेटर साइड वाले बिजनेस के लिए की है। हाँ ठीक है। अगर हमारा जो 90% रेवेन्यू जो हमारा है ऑर्गेनिकली ग्रोथ हुआ है उसका, आई थिंक कॉल टू करेक्ट और 365 सिक्योर किया था आपने, वो छोटा बिजनेस है कॉल टू कनेक्ट का हमारा जो बीपीओ है, और जो 365 स्क्वायर्ड है जो हमने टेली डीएनए भी एक्वायर की है वो ओवरऑल 10% ऑफ द रेवेन्यू आता है। पर 90% जो हमारा ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक ही है, वो स्ट्रेटेजिकली है, वो हार्डवर्क करके है। सर मैं 16 साल में मैं दुनिया के हर कंट्री में ट्रैवल करके हर ऑपरेटर से मिलकर हर इवेंट को अटेंड करके मैंने एक रिलेशन बिल्ड करके जो हमने बिल्ड किया है इट रियली वर्क्स वेल फॉर अस। आई थिंक जो भी हमने ग्रो किया ऑर्गेनिकली किया राइट, और विदाउट रेजिंग फंड, वो भी एक बड़ा पॉइंट होता है कि हम ग्रो करते गए और अपने इंटरनल एक्यूरेंस के थ्रू हमने एक्वायर भी किया, हमने जो एक्वायर भी किया अपने खुद के पैसों से। तो हमारा तो ये है कि हमारा जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो तो ग्रो होते ही रहेगा। अगर मुझे $1 billion रेवेन्यू कंपनी बनना है अगले 2 या 3 साल के अंदर, उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, तब मैं बोलूंगा कि अब मैं ऑर्गेनिकली ना इनऑर्गेनिक जाऊंगा। लेकिन मैं इनऑर्गेनिक में पहला प्रीफर करूंगा प्रोडक्ट ऑफरिंग, मैं ऐसी कंपनी को अक्वायर करूं जो मेरे प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि सेम प्रोडक्ट हो। मैं जैसे मिलिंद ने कहा कि मैं ऐसे मार्केट को एड्रेस करना चाहता हूं जिसको वो लिस्ट में आता ही नहीं, वो ऐसा मार्केट जिसमें हमारे पास ऑफरिंग प्रोडक्ट नहीं है उस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहेंगे, सो दैट वी कैन क्रॉस सेल एंड अपसेल आवर प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। सो हमारा पहला विजन होगा कि प्रोडक्ट कंपनी को अक्वायर करो, अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग और स्ट्रॉन्ग करो और मार्केट लाइक लैटिन अमेरिका और यूएस में उसको लेके जाओ।
सर अभी हमारा जो टीटीएम रेवेन्यू है वो कुछ 1300-1350 करोड़ है, राइट? आप बोल रहे हो कि 2-3 साल में $1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब हो गया ऑलमोस्ट 8000 करोड़। सो 8000 करोड़ का मतलब है मैंने, कि मैंने वरेंद्र जी करेक्शन में ये बोला कि उसको अगर करना है तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। नहीं, एग्री एग्री, तो मैं वही सोच रहा था सर कि ये 8000 करोड़ में इनऑर्गेनिक कितना हो सकता है और ऑर्गेनिक कितना हो सकता है, बिकॉज ऑर्गेनिक तो 30% हम लगाएंगे, ग्रो करेंगे आप, तो इतना बड़ा एक्विजिशन हम देख रहे हैं आगे जाके, विच कुड कैटापल्ट रूट फ्रॉम 1300 करोड़ सेल्स कंपनी टू 7-8000 करोड़ कंपनी नेक्स्ट 2-3 इयर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सर आप 3 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो कि हम 260 करोड़ से 1300 करोड़ कितने कितने फास्ट हमने किया ऑर्गेनिकली, अगर हमारा देख लो 4 साल का जो डेटा आपके पास होगा, राइट? तो वो जो ग्रोथ है वो तो हमारा ऑर्गेनिक है ही है। पोटेंशियल आप डिजिटल अडॉप्शन का भी देखिए ना, रेशियो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इंक्रीज नाउ, सो वी आर द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ पीपल यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म नाउ। जो हमने ग्रोथ किया था उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी अब आने वाली है, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, वो कितना बड़ा है। राजदीप गुप्ता का विजन है और वो कर सकता है, All power to you, sir, and भगवान करे हो जाए। सर इसमें प्राइसिंग पावर कितना होता धंधे में? आपने 3-4-5 साल से जब से आपने इतना बड़ा कारमा चालू किया, हाउ मच प्राइसिंग हैज इंक्रीज और डिक्रीज फॉर यू? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आई डोंट सी अ प्रॉब्लम ऑफ डिमांड, यू नो, जैसे आप बोल रहे हो कि देर आर मेनी कंट्रीज ओपनिंग अप टेक्नोलॉजी वाइज अडॉप्शन विच इज हैपनिंग, सो डिमांड साइड पे कोई इशू नहीं लग रहा, बट प्राइसिंग वाइज क्या व्यू है सर आपका, कितना बड़ा है और कितना बढ़ सकता है? इज दैट एरिया जहां पे कंपनी को फायदा हो सकता है, धंधे में फायदा हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन वरिंदर जी। ये क्वेश्चन ये है कि अगर आप हमारा फायरवॉल सॉल्यूशन जो है, ऑपरेटर बेस्ड सॉल्यूशन जो है, अफ्रीका के सारे ऑपरेटर्स आज भी उनके पास फायरवॉल नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सारे ऑपरेटर जो है, अफ्रीकन ऑपरेटर और लैटिन अमेरिका के जो ऑपरेटर है, उनका रेवेन्यू लीकेज होता है, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रे राउट्स। हमारे पास ये पूरी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम फ्यूचर में ये हमारा जो 365 स्क्वायर का बिजनेस है वो फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन में फोकस कर रहा है, जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और आपका लैटिन अमेरिका में, वहां पे जैसे ही फायरवॉल लगेगा प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाता है। पर सर, वो 10% है ना अपने रेवेन्यू का, वो तो सर वो हमारा विजन तो भी ना सर 10% से उसको 25% लेके आए। अच्छा, क्योंकि उसको 25% तो लाना है ना हमें, अगर हमने कंपनी अक्वायर किया तो उसके साथ में हमें ग्रो करना है। और वी आर वेरी क्लियर कि हमारा हम क्लियर क्यों है, हमने क्यों अक्वायर किया 365 को, पहली बात ये समझना जरूरी है। 365 और टेलीडीएनए का सारा जो सॉल्यूशन है वो ऑपरेटर के लिए है, और रूट मोबाइल का ऑलमोस्ट 254 ऑपरेटर डायरेक्ट पार्टनर है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारा, और लगभग 800 ऑपरेटर से हम डायरेक्टली काम करते हैं। मतलब कि हम किसी न किसी बंदे को जानते हैं उस ऑपरेटर इकोसिस्टम में, उस कंट्री में, जहां पे हम इस प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। इसके लिए हमने वो प्रोडक्ट ऑफरिंग को एक्वायर किया, और हमारे लिए एक्विजिशन का मतलब यह है कि हाउ आई वी विल बोथ द कंपनी जॉइंटली क्रिएट वैल्यू फॉर देमसेल्फ एंड आरसेल्फ, दोनों कंपनियों को वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारा रीजन होगा कोई भी एक्विजिशन के लिए। नहीं, गॉट इट सर, आई होप एंड आई कैन, आई हियर इन द कॉन कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स दैट यू नो यू आर वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग अ कंपनी वेरी सून, टीवी पे भी सुना और सब कॉन कॉल्स में सुना, hoping ki ha bhi aisa hi kuch acquisition aaye sir, but pricing power sir agar main usko I'll try and answer your question. Sorry, pricing power, so if you look at it right now, right? Hey, so I'm sorry Gautam bhai, ki sir ne samjha diya ki 10 se 25% ko firewall mein jane ka vision hai, I was just also alluding ki wo 90% jo dhanda abhi hai usme pricing power kitna hai. main usi pe aa raha hu, main usi pe answer karne ki koshish kar raha hu ki aaj ke din mein hamare paas sari APIs hain jiske through ek enterprise apne brand ko reach out kar sakta hai, राइट? तो अभी हम जो स्ट्रेटेजी हम जो कर रहे हैं वो टू मूव अप फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर टू द एप्लीकेशन लेयर। जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे चले जाएंगे, हमारा प्लेटफॉर्म विद इन द एंटरप्राइज विल बी डीपली इंटीग्रेटेड विद द एंटरप्राइज, आइदर इनटू देयर सीआरएम और इनटू देयर कॉन्टैक्ट सेंटर। अगर हमने ये कर लिया तो आई थिंक देन दैट प्राइसिंग पावर विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन व्हाट इट इज टुडे। increase हुआ है से last 3-4 साल में या whatever period you want to take, has it increased?
वो तो आपको हमारे रियलाइजेशन पर मैसेज में दिख रहा होगा, पर ट्रांजैक्शन में भी दिख रहा होगा कि वो प्राइसिंग पावर जो बढ़ता है, हम हमारा एबिटा पर ट्रांजैक्शन आल्सो हैज इंक्रीज्ड। तो आई थिंक दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका वो प्रोडक्ट मिक्स कैसे चेंज हो रहा है जो राजीव जी। दैट्स करेक्ट। So I think Varinder ji, this is not only about the product, it is also about in the value chain aap kya provide kar rahe ho, right? So for example, while SMS to WhatsApp mein margin change ho sakta hai, but wo still communication layer hai. Jab aap communication layer se application layer ya solution layer mein jaoge, to aapki wahan pe stickiness aur badhegi aur aapka realization aur improve hoga. Mota mota char layers hai, aap imagine kariye. Sabse niche layer hai network layer, jahan pe aapne operator ke sath connectivity ki. उसके ऊपर जो लेयर है वो कम्युनिकेशन लेयर है, जहाँ पे आपके पास सारे तरह के कम्युनिकेशंस आ गए, उसके ऊपर है एप्लीकेशन और उसके ऊपर है सॉल्यूशन लेयर। तो ये चार लेयर्स हैं। अभी तक हम मेजॉरिटी वी आर प्लेइंग बिटवीन नेटवर्क लेयर एंड अ कम्युनिकेशन लेयर, एंड एज गौतम एक्सप्लेन, जैसे हम एप्लीकेशन लेयर और सॉल्यूशन लेयर में जाएंगे, स्टिकीनेस और बढ़ेगा, एंटरप्राइज हमारे साथ ज्यादा रिलाय करेगा, डिपेंड करेगा, और उसमें रियलाइजेशन और इम्प्रूव होने के चांस। No, got it, sir. Sir, aap, Milind ji, because you look at this new and new ventures, right? And new technology at root. Agar aap bata sake, of course, Rajdeep ji mentioned this, and I keep coming to that question, ki ye jo issues hai, competition ka, disruption ka, extinction ka, aap kaise, because that is something which keeps on moving on your head, right? How do you tackle that? Aap innovate kaise karte ho? How much, technology people are in your firm? मैं आपको दो तरह से इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। एक तो मैं एक टॉपिक टच करता हूँ जिसे हम मेगा शिफ्ट्स कहते हैं। हर इंसान के लाइफ में एक वो मोमेंट आता है जहाँ पे वो मेगा शिफ्ट देखता है। हमने हमारे लाइफ में वो मेगा शिफ्ट्स देखे हैं। जब हम when we were young, perhaps going to moon was a vision and aspiration. Right now that mega shift is moving from moon to Mars. Right? People were investing in our childhood. Gold was an ultimate weapon of investment. Today, Bitcoin is an ultimate weapon of investment, which is happening now. Right? Oil was an ultimate hedge for money. Now, data and technology is the ultimate hedge for money. Right? Now, in this third line of oil, data, technology, I would also add the word digital. So, hamare view mein, digital is a new mega shift that we are seeing across in the world, and the current pandemic has accelerated that brilliantly, right? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं, गौतम, राजदीप, एलेक, all of us, we eat, sleep, drink, breathe, saying how do we hedge ourselves across this technology? And this is not just a gradual shift, it's a tectonic shift that has impacted right now, especially because of the pandemic fallout, right? आप किसी भी organization में चले जाओ, chief digital officers are being hired, digital transformation is the buzzword right now. And this trend, we don't see decelerating anyway, ये अगले 5-10 साल continuously grow करेगा, right? तो वहां पे अगर आप देखें, हमने पिछले मुझे ज्वाइन किया लगभग एक जस्ट अबाउट कपल ऑफ मंथ्स हैव पास्ट, हमने हमारी पूरी प्रोडक्ट टीम रीऑर्गेनाइज करी, हमने हमारी पूरी मार्केटिंग स्टोरी टेलिंग की टीम रीऑर्गेनाइज करी, हम पूरी टेक्नोलॉजी टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमने पूरा बीडी सेल्स प्रोसेस को ऑर्गेनाइज किया है टू एंश्योर दैट द न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू एरियाज आर गेटिंग काइंड ऑफ सर। आई हैव बीन इन मल्टीपल डोमेन्स। आई वॉज अ पार्ट ऑफ कॉम्विवा, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेटीएम। आई हैव वर्क वेरी वेरी क्लोजली विद विजय इन टू डिफरेंट स्टेंट्स। मेरा और राजदीप सर का ताल्लुका पिछले 15 साल से है। वी नो ईच अदर एज इंडस्ट्री गाइज फॉर लास्ट 15 ईयर्स। So yeah, so I have spent almost 15-18 years into technology, payments, commerce, VAS, telecom, across multiple segments. So lovely, Milind, thank you so much. Rajdeep ji, aapka wo mute pe hai aap, thoda unmute kar lijiye. To mera question rahega sir aapse ki main jitna aapko sununga, main utna aisa bolunga ki yaar main to fida ho gaya aapke. To aap mujhe itna bataiye ki isme risk kya hai? Kyunki aisa nahi hai, as a businessman, you look at the opportunities, which is a great thing. You look at ki haan, how things can go to $1 billion with or without acquisition, bahut achhi baat hai. But I'm sure, you are nimbly, you will put your foot down, ki chalo, ye karte hai. To risk bhi honge na sir, dhande mein. So, Varinder ji, to dekho, aisa hai ki, jab maine 16 saal pehle company chalu kiya tha, aur aaj bhi, ek founder ke life mein sabse bada ek cheez hota hai na, dar jo hota hai, fear of failure hota hai. ठीक है,
उससे बड़ा कोई डर नहीं होता है, वो मार्केट क्या होगा कैसे होगा। तो आप एक फाउंडर, जो टेक फाउंडर स्पेशली मेरे जैसा जो होता है, उसके लिए ये होता है कि जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ वो चलेगा कि नहीं चलेगा, पहला तो फिर होता है। और फिर वो फाउंडर का कन्विक्शन होता है कि हाँ जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ चलेगा, ठीक है। कीपिंग इन दैट माइंड कि मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब होगी, जो कम्युनिकेशन जो होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर जीएसएम से आईपी पे आएगा, ठीक है। हम 3 साल पहले से अपना आरएनडी चालू कर दिए, वी बिकेम द पार्टनर विद कंपनी लाइक गूगल एंड व्हाट्सएप से देख लो, और वाइबर से देख लो, सारे डायरेक्ट पार्टनरशिप है उनकी एपीआई को यूज करने के लिए। वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस लेयर ऑफ कम्युनिकेशन 3 ईयर बैक ओनली। बाय द टाइम मार्केट वी स्टार्ट अडॉप्टिंग this layer of communication, we are ready with that. And we are right now also, we got a customer by using a platform for all this channel. So disruption kya hoga, wo path ki baat hai. Lekin agar jo current disruption humko dikh raha hai, how the technology will evolve is something one founder should know. It is not about ki overnight kuch aa jayega aur turant khatam ho jayega. Nahi, uske aane ke liye ek process hoga, adoption hoga, logo ko ek time lagega. But उस evolving जो period होगा वो people has to understand, as a founder you need to understand, and as a founder you should be ready to change yourself first होता है। As a founder you cannot be adamant that whatever I am building is great solution. As a founder you should know that I build 4 out of 1 will not work. Just sir, ऐसा कुछ हुआ है आपकी life में, आपने कुछ किया हो, चला रहा हो, आपने बोला बंद करो? हमने अभी अब failure देखा life में, हमने भी 2-3 साल पहले हमने voice solution चालू किया था। Please tell us one or two lessons in your life sir, because आप सब अच्छा-अच्छा तो बता रहे हैं, but it's also important to understand कि failures क्या थे और failures के साथ कैसे deal किया आपने? Definitely sir, हमने कुछ साल पहले, I think 3 साल पहले हमने UK में एक team बनाई थी जो voice business को हमारा दिखता था, international voice business को। और बाय द टाइम जब हमने 15-20 लोगों की टीम भी उसके लिए कर ली थी, और जैसे ही वो पूरा टीम का जो हमारा विजन था कि इंटरप्राइज वॉइस पे फोकस करना है, जहाँ पे मार्जिन हाई हो, जो टूलियो करता है नॉर्मली, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि पूरी टीम ने होलसेल वॉइस पे फोकस कर लिया। और होलसेल वॉइस में क्या होता है कि आपको लगेगा कि रेवेन्यू बहुत दिखेगा लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा। तो अगर आप देखो कि गौतम का जो प्रेजेंटेशन होता है 2018-19 के, एक उसमें हमने बोला है कि वो 100 करोड़ का रेवेन्यू जो हमारा वॉइस का है उसको आप कंसीडर ना करें, राइट गौतम? दैट्स करेक्ट। तो वो हमारे लिए लर्निंग था कि 100 करोड़ के रेवेन्यू पे मुझे 5% वाला मार्जिन वाला धंधा नहीं करना है। तो हमने बोला नहीं, दिस विल एक्चुअली हिट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ रूट मोबाइल, और इसमें कोई वो नहीं है, और रिस्क बहुत ज्यादा था वहां पे। तो हमने वो बोला नहीं, इस डिविजन को बंद करना ही बेस्ट ऑप्शन है, और हमने उसको इमीडिएटली 1 साल के अंदर उसको बंद भी कर दिए। तो हमें ये, एज अ फाउंडर आई एम वेरी वेरी क्लियर, वट एवर आई एम बिल्डिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क, आई शुड ऑल्सो हैव दैट ऑप्शन कि भैया दिस विल, इफ दिस इज नॉट वर्किंग बंद कर दो उसको, एंड फोकस ऑन समथिंग विच हैज मोर पोटेंशियल, एंड स्पेंड योर 2 आवर्स एक्स्ट्रा ऑन दैट रादर देन डूइंग अ ब्रेनस्टॉर्मिंग विद 10 पीपल इन योर बोर्ड रूम। सो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क, राइट? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ ग्रेट आइडिया ऑफ सम ऑफ द आईएम गाइज और जो भी होते होंगे, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है सर कि आप हर एक फाउंडर तो रोज 24 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद से करते हो। सही है। मतलब यू टेक क्विक डिसीजन, मतलब आपने वो सेगमेंट बंद करने का डिसीजन इतना जल्दी ले लिया। हां सर, हम लिस्टेड नहीं थे और हमें वो भी कोई वो नहीं था कि हमें लगा कि आगे जाके हमें ड्रैग करेगा और कोई मतलब नहीं इसको, अगर हमारा ओवरऑल मार्जिन उस बिजनेस से ड्रैग होता है तो हमें कोई मतलब नहीं है बिजनेस करके। Alec, I will be coming to you, okay? Don't sleep because I really want to understand the product, okay? But I'm so much engrossed with Rajdeep, absolutely, you know, because I'm really enjoying learning from him. So, yes, Rajdeep ji, what is your vision now? My product samajh gaya, clients ki main zyada baat kar nahi sakta hun, you know, because I know most of the names you don't put out, but of course, names like Google, Facebook, WhatsApp, Alibaba, I think, HDFC Bank, Citi, all these names are there which have trusted you as a company. But if I have to see the vision, reports तो बड़ी-बड़ी आ रही हैं सर, सबकी CPaaS space इतना बड़ा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. So that means consistently we'll keep on growing organically plus inorganically. And as you said कि आप तो वैसे ही चुस्त फुरुस्त लगते हो, decision जल्दी ले लेते हो, तो गलती होने के chances कम है. So it's a cleaner path for you going ahead, right? Right. So as a company, वरिंदर जी देखो कि what is the vision of Route Mobile in next 5 years down the line? हाँ जी. आज अगर आप देखते हो, Route Mobile is focusing more on customer engagement, और customer engagement ही हमारा एक focus जहाँ पे हम करते हैं. I think there is 2 parts left, which is customer experience and customer grievances.
तो रूट मोबाइल का फोकस होगा एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर एनी एंटरप्राइज। अगर मैं किसी एंटरप्राइज जाता हूं, मैं वो सब कुछ ऑफर कर सकता हूं जो उसको चाहिए, चाहे वो कॉल सेंटर सॉल्यूशन हो, चाहे वर्चुअल कॉन्टेक्ट सेंटर हो, चाहे आपका बॉट सर्विसेज हो, चाहे एपीआई हो। तो जैसे ही कोई भी बंदा या एंटरप्राइज हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। दैट इज द होल विजन ऑफ रूट मोबाइल। आई विल बी अ वन स्टॉप शॉप फॉर एनी एंटरप्राइज फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट। Got it. And disruption, आप जैसे बोल रहे हो, with the scale of what you will reach, say in the next few years, that risk will not be there because the scale will be mammoth. सर हम तो सीधा बोलते हैं कि आप उनसे दोस्ती कर लो जो disruption करने वाले हैं। हमारा तो सिंपल विजन है सर, कि disruption करने वाले कौन से? Google, Facebook जैसी कंपनियां करेंगी disruption इस आगे 5-10 साल में, तो उनसे ही उनके ही पार्टनर बन जाओ disruption को मार्केट में लाने के लिए। अगर WhatsApp और Google के RCS अगर लॉन्च हो रहा है, तो हम तो पार्टनर हैं इंप्लीमेंट करने के लिए उनका। बिल्कुल सही है सर। सर कौन सा ऐसा टाइम था, सॉरी आई एम गेटिंग अ बिट पर्सनल विद यू, कि जब आपको लगा कि यार वाह मजा आ गया, जो सोचा था 2004 में हो गया, सो ऐसा कोई बड़ा डील हुआ होगा या बड़ा विन हुआ होगा, या अ डे व्हेन यू थिंक कि बॉस मजा आ गया? आईपीओ के अलावा सर, कि आईपीओ तो चलो एक बड़ा यू नो टाइम होता है, ऐसे ऐसे लगभग दो इवेंट है, एक आईपीओ के बाद और एक आईपीओ के आईपीओ के पहले। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जब हमने फेसबुक को इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्लोज किया था, तो जब हमने गूगल को क्लोज किया था, मतलब कहीं ना कहीं वो था कि इंडियन कंपनी सेलिंग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। इंडियन कंपनी का परसेप्शन क्या है, इंडिया बेचेगा करके। हम गए हम बोले हम इंडिया छोड़ के सब बेचेंगे तुमको, तो वो भी थोड़ा वो हो गया, अरे क्या बात है करके, राइट? Then they did their due diligence. They came to know about Route Mobile, what Route Mobile is capable of, what is Route Mobile, what is Rally. कितना time लगता है sir इसको due diligence को? Normally 3 से 6 महीने से 1 साल से लग जाते हैं। Wow. तो thorough audit होता है पूरा, मतलब system processes सबका audit होता है पूरा। Sorry राजीव जी आप बोल रहे थे, interesting story। तो वो चीज था, मतलब कि उस पहले के वो तो जितने भी हमने contract लेके आए और जितने भी वो किया, हमेशा वो excitement वाले दिन होते। मेरे लिए तो एवरी सिंगल विन इज, चाहे छोटा कस्टमर है बड़ा कस्टमर, मैं तो बोलता हूँ खड़े हुए ताली बजाओ जिस बंदे ने लेके आया, बिकॉज दैट इज अ हैप्पी साइन फॉर यू टू ग्रो, राइट? सो हाँ, मतलब पोस्ट आईपीओ प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ कि जैसे अगर अभी मेरा लास्ट आर्टिकल पढ़ो हमारे ऑफिस बॉय के बारे में, कि दे मेड इनफ मनी एंड आई थिंक दैट गेव मी अ वेरी गुड सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। यार इट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर सर्टेन पीपल, इट इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर एवरीवन हु इज विद यू। And I think वो एक ऐसा मुझे लगा कि जब IPO में हमारे लोगों ने e-shop के थ्रू पैसे जनरेट किए, so it is not the founder's vision to just make money for himself, but create value for other also who are along with him. Got so it. I think that is very very clear for me, and I think that one news actually really, you know, एक बहुत ही wow moment था मेरे life. Yeah, I know Gautam was partying that night. Sir, सब अच्छी अच्छी बातें हो गई। I will take a chance to ask some hard questions also. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मार्केट के दिमाग में है, प्लीज क्लेरिफाई देम विद फैक्ट्स, तो मेरे ख्याल में वो चीजें बहुत अच्छी होंगी सर। पहले तो सर ये दो तीन चीजें हैं कि एक यूके का जो कंपनी है, मतलब हम लोग किस तरीके से रेवेन्यू बुक करते हैं? आई एम श्योर गौतम को और आपको वीरो ये क्वेश्चन बार बार आते रहते होंगे, हाउ डू वी बुक अवर रेवेन्यूज, बिकॉज यूके में जो कंपनी है उसमें एम्प्लॉयज कुछ कमी है, 2-3 एम्प्लॉयज है, हाउ इज द रेवेन्यू बुकिंग डन? तो सर ऐसे है उसमें वरिंदर जी कि कोई भी हमारा लार्ज क्लाइंट होता है ना जिसको मल्टीपल ज्योग्राफी बिलिंग होती है, तो इनवेरिएबली हम उनको यूके में बिल करते हैं, सो दैट बिकॉज वी नीड टू सेटल विद ऑल टेलकोस ग्लोबली, राइट? सो अगर हम उसको इंडिया में बिल करेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, सो हमारा पूरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। रादर हम यूके को सेंट्रलाइज बिलिंग करते हैं और फिर वहां से ट्रांसफर प्राइसिंग होती है टू वेरियस सब्सिडरीज, एंड सेम इज विद यूएई आल्सो। The UAE is only related to the Middle East billings. अच्छा। UAE में तो हमारी full-fledged team है। In fact, we would be the leader there in a few markets in UAE. Got it. तो पैसा कैसे वापस आ गया गौतम वहाँ से UAE से या UK? जैसे मैं आपने example लिया, I'm just giving it for the sake of example. So let's assume Google, right? Google को हम 100 countries में service करते हैं। So हमारी centralized billing UK में होती है, right? अब उसके बाद मुझे 100 countries के operators को settle करना है। Invariably, वो सेटलमेंट यूरो या यूएसडी में होता है, तो हम डायरेक्टली यूके से वो जिस जिस रेस्पेक्टिव सब्सिडरीज में है वो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, हम पे कर देते हैं।
लाइकवाइज गूगल का जो भी रेवेन्यू इंडिया में आता है तो इंडिया रूट मोबाइल इंडिया बिल्स टू रूट मोबाइल यूके एवरीथिंग इज 100% ओल्ड एंड यूके फॉर दैट मैटर इज ऑल्सो देर इज अ कंकरेंट ऑडिट डन बाई ग्रैंड क्वार्टर्स इनफैक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम हम अपने सारे मटेरियल सब्सिडरीज में वी विल वेरी सून बी इंडक्टिंग ग्रैंड क्वार्टर एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर Got it. So, आप बोल रहे हो सर बिलिंग के लिए आपने वो कंपनी रखा हुआ सिर्फ बिलिंग है मतलब वी हैड अ फुल फ्लेज्ड टीम वी स्टिल हैव सम एम्प्लॉइज देयर हमारा माल्टा में काफी बड़ा सेटअप है जो पूरा 365 स्क्वायर का है सो हमारे पांच छह मटेरियल एंटिटीज है पांच छह मटेरियल एंटिटीज में पूरा आई मीन दिस इज मटेरियल बिजनेस मटेरियल बिलिंग दैट हैपेंस हमारे बिलिंग के लिए हमारे यूके में हमारे बहुत सारे कस्टमर रहे चाहे लिवारा मोबाइल से लेके बहुत सारे कस्टमर यूके में है हमारे यूके में टीम है हमारा तो ऐसा नहीं है कि हम बिलिंग पर्पस के लिए रखे हैं उसको एट द सेम टाइम माल्टा में हमारी बहुत बड़ी टीम है 365 की टीम हमने जो एक्वायर किया है नाउ वी गॉट टीम इन यूएस एज वेल आई ओनली आस्क सर बिकॉज़ आई हर्ड दैट यूके में मेरे ख्याल में दो तीन पांच लोग बैठते हैं एंड द रेवेन्यू ऑफ चंक ऑफ रेवेन्यू व्हिच कम्स फ्रॉम यूके इज वेरी लार्ज दैट इज व्हाई आई आस्क सर बरिंदर जी आप ही देखिए मतलब हमारा अगर आप टॉप क्लाइंट्स अगर रेवेन्यू देखते हो तो सम ऑफ द नेम्स दैट यू टॉक्ड अबाउट आई मीन 20-25 मिलियन डॉलर की बिलिंग होती है तो वो सब रेवेन्यू यूके में बुक होता है फिर ट्रांसफर प्राइसिंग होती है दूसरे कंपनीज में क्योंकि हमें सिंपल ऑप्शन है ना कि हमें ऑपरेटर को तो पे करना है वहां से 100 कंट्रीज का ऑपरेटर को पे करना है वो सारा बिल यूके को रेज करते हैं क्योंकि उनके लिए भी वो इजी होता है और जब ये इंडिया में पैसा आता है हम ऑपरेटर को वहां से पे करते हैं Got it. सर एक अगेन स्टूपिड क्वेश्चन राजीव जी प्लीज हेल्प अस टू फिक्स दैट ये होटल की बात चलती रहती है गोवा वाले की सर आपने कभी बुलाया नहीं वहां पे बट फिर भी वो एक है कभी भी आ जाइए सर बट वो है क्या सर बाकी व्हाई दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आई एम श्योर तो यू नो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन कि जो होटल में हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना है 0% राइट हमने ये एकॉर्ड जो है वो उसको मैनेज करते और चलाता है उसको ये मैनेजमेंट एग्रीमेंट में हमने होटल दे दिया एकॉर्ड को हमारा उसमें इससे पूरे साल में मुश्किल से एक दिन होता है जब हम उनको बजट का प्लानिंग देते हैं और वो बजट वर्क प्लान हो गया तो पूरे साल भर वो काम करते रहते हैं हायरिंग से लेके फायरिंग से लेके एग्जीक्यूशन से सब कुछ होता है इफ यू एनीबॉडी फॉलोज दैट मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद एनी अकॉर और हयात जैसी कंपनियां हमारा तो एक इन्वेस्टमेंट की तरह हम देखते हैं हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको एक थर्ड कंपनी उसको रन कर रही है और ड्राइव कर रही है और पूरा हमें रेवेन्यू बताती है साल में इतना पैसा आता है हमारे लिए अब मैं मार्केट को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज रूट मोबाइल में 66% ओन करता हूँ राइट मार्केट में ये भी लोगों को समझना जरूरी है कि 66% का जो वैल्यू अगर मैं रूट मोबाइल में 100% या 100-200% डालू तो मेरा 66% का वैल्यू इतना बड़ा होता है कि मुझे कहीं भी फोकस करने की जरूरत ही नहीं है why will I focus on something other than रूट मोबाइल where I have 66% stake अगर मेरा 4% stake होता तो 50% फोकस करता होटल बिजनेस एक नॉर्मल बंदे ने एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदा आप बॉम्बे में 4 फ्लैट लेते हो आप उसको रेंट पे दे देते हो तो ये कोई गलत बात तो नहीं ना आपने पैसे बना लिए तो आपने रेंट पे दे दिए आपको रेंट आ रहा है उसमें उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है हमने भी ये प्रॉपर्टी लिया हमने उसको रेंट पे दे दिया और रेंट कौन कर रहा है हमने तो रेंट पे दिया है हम थोड़ी जाके वहां पर देखते हैं भाई आज कितना वहां पे क्या धंधा हुआ क्या बिजनेस हुआ कैसे हो रहा है हमारा कोई लेना देना नहीं है It is just a piece of investment for us, and a market should also understand I have a bigger chunk of stake in Route Mobile, which I will create my valuation multiple fold. But Rajdeep ji, मैं एक कभी नहीं समझ सका आपकी बात कि आपने इतना dilution क्यों किया जब Route का IPO आया था? You know, आपने promoter ने 350 crore मेरे ख्याल में आपने dilute कर दिया उस कंपनी में. क्योंकि you could have done in phases, right? You could have done in phases. 15% करके और 10% का मेरे मार्केट का होता है सेविंग का मिनिमम 25% डाइल्यूशन करना पड़ता और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्राइमरी एंड यूज ऑब्जेक्ट्स था ही नहीं सो इसलिए टू मेक द आईपीओ लिटिल साइजेबल राजदीप एंड संदीप आल्सो हैड टू ऑफर देयर शेयर्स एंड जस्ट क्लोजिंग द लूप ऑन द रियल एस्टेट पीस इट इज मोर अ रियल एस्टेट यील्डिंग एसेट दैट दे मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट बैंडविड्थ इज जीरो मतलब वहां पे जो लगता है Got it. Anything, sir? You were adding Rajiv ji, sorry.
नहीं वही है, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर मैं इस कंपनी को फ्यूचर में, मैं वही बोलूं 350 करोड़ तक डिलीवर कर दिया आपने उस समय, मैं तो सोच रहा था कि यार नहीं नहीं वो तो मार्केट का उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से था जो, इसलिए मैं करना पड़ा, अदरवाइज मैं नहीं करता। अच्छा गौतम भाई एक और चीज बता दीजिए प्लीज, ये स्पेक्ट्रम वाला भी क्लियर कर दीजिए। सो स्पेक्ट्रम सर एक फ्रंट एंडिंग एंटिटी थी जो आई थिंक इट वाज जस्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रूट मोबाइल, बट एज वी स्पीक दैट कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट एंड जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था वो ऑलरेडी आई थिंक पूरा खत्म हो चुका है बिटवीन एनी ऑफ द प्रमोटर कंपनीज। एंड हमने इनफैक्ट ये भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन beyond a certain minimum threshold, I think 10 crore ka threshold, 10 crore ka pep mein kiya tha pep 2020 come back to the shareholders for approval. So jitna tarah se corporate governance ko stringent kar sakte hain we are trying to imbibe that into our day to day working culture. Rajdeep ji aap bahut time se bol rahe hain acquisition ka, aap bahut time se jab se IPO aaya hai tab se bol rahe ho sir aur sab wait kar rahe hain uska, you know to ek you know ये नहीं बोलूंगा गुस्सा है बट एक है कि भैया करो करो अभी करो, हालात ऐसा देख के हम लोग ऐसा हो गया कि क्या है यार ये चीज। वरिंदर जी ऐसा है कि पब्लिक का पैसा है और पब्लिक वजह सही जगह लगना चाहिए और उसके लिए हमारा मेन फोकस ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट होना चाहिए, जो हम खरीद रहे हैं उसको 100% हमारे ग्रोथ स्टोरी में ऐड होना चाहिए। सो आज भी हम बोल रहे हैं कि डिलिजेंस इज स्टिल गोइंग ऑन एंड वी आर वेरी सून गोइंग टू अनाउंस। ठीक है सर, थैंक यू वेरी वेरी मच राजीव जी। सो आई विल नॉट अलाउ अलिक टू गो, बट राजदीप जी सिंस यू गिव अस टाइम, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, बट मेरी तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से और बहुत फ्रेंकली बहुत चीजें बताई सर, बहुत प्रमोटर्स ऑनेस्टली ये सब चीजें ऐसे नहीं बताते हैं जितने मन से आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।